गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसे हैं, कैसा है आपका मूड? सुबह सुबह कभी कभार मैंने नोट ये किया है, हम जब सो के उठते हैं कभी हम बहुत फ्रेश सो के उठते हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, आपकी नींद अच्छी पूरी हुई है, आप रात को जल्दी सो गए हैं, आपको नॉन स्टॉप जागे बगैर नींद आई है, मच्छरों ने तंग नहीं किया, ऑफिस में ज़िंदगी अच्छी चल रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छी ज़िंदगी चल रही है, रिश्तेदारों में जो हाउसवाइफ्स हैं ख़ास तौर पे रिश्तेदारों में सास नंदों से बनी हुई है, मियाँ से कोई लड़ाई नहीं हुई हुई, कोई चीज़ तंग नहीं करी, महंगाई आपको तकलीफ़ नहीं दे रही और महीने का आखिर नहीं है। सो सुबह सुबह एक फ्रेशनेस का एहसास होता है, लेकिन कभी कभी सुबह सुबह इंतहाई बुरा मूड होता है, चिड़चिड़ाहट हो रही होती है, बात करने को दिल नहीं चाह रहा होता किसी से, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपके जो मूड स्विंग्स हैं ये क्यों हो रहे हैं? सो मैंने अक्सर ऑब्जर्व ये किया है, सबके साथ होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि अगर मेरा ऐसा कुछ मूड है सुबह सुबह तो मैं ना कुछ मीठा खा लूँ। जाहिर है मुझे यहाँ मूड अच्छा रखना है, मशीन तो होने के इतने सालों से सुबह सुबह हंसती हुई जो आपके सामने नज़र आती हूँ, इंसान हूँ, मेरा मूड भी ख़राब हो सकता है। सो मैंने ये पूरी प्रैक्टिस की है, इतने सालों से ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं कुछ मीठा, वैसे तो मैं आजकल थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ चल रही हूँ, तो मैं आजकल कुछ सुबह नहीं खा रही होती, सिर्फ चाय मतलब कॉफ़ी पी रही होती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह, लेकिन नॉर्मली मुझे अपना मूड अच्छा करने के लिए सुबह सुबह कुछ मीठा चाहिए। अब वो मीठा फ्रूट भी हो सकता है, वो मैं अगर हेल्दी उस पर चली जाऊँ तो ग्रैनोला भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार मुझे सॉलिड मीठा चाहिए। जब ज़्यादा मूड ख़राब है ना, मुझे इंस्टेंट एनर्जी और इंस्टेंट जो एक एक्टिव कर देता है मेरी बॉडी को और मेरे दिमाग को, वो मीठा है। सो मैंने रिसर्च की, मैंने कहा ये ऐसा है क्या इस मीठे में, क्योंकि मतलब सही नहीं है ना ये आपकी सेहत के लिए। तो उससे पता चला कि ये आपके ब्रेन का एक डोपामाइन रिलीज़ करता है, डोपामाइन एक ऐसा डोपामाइन कह लें या डोपामाइन कहते हैं कुछ लोग, ये एक ऐसा केमिकल है जो आपको प्लेजर देता है, जो आपको खुश करता है, हैप्पी हार्मोन है। आपको ये एकदम उदासी या चिड़चिड़ाहट दूर करने के बाद इंस्टेंट, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मीठे की थोड़ी सी नुकसान ये है, मीठे का नुकसान ये है कि आपको इंस्टेंट खुशी मिलेगी, इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा, और उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद बिल्कुल नीचे की तरफ ले आएगा, आप बिल्कुल ड्राउजी हो जाएंगे। और रेगुलरली जब आप ये करते हैं सो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन होने लगता है टू मच मीठा खाने से, आपको मतलब आपका ब्रेन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता। आप नोट करें जब आप अपने बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं या कोई ऐसी चीज़ देते हो, कितने हाइपर हो जाते हैं, एक सोफ़े से दूसरे सोफ़े, एक कमरे से दूसरे कमरे, भाग भाग के अपनी आपको भी चोट लगाते हैं, आपके घर की भी चीज़ें तोड़ते फोड़ते, क्योंकि वो उनकी एनर्जी कुछ ओवर बूस्ट हो जाती। वैसे ही वो होते हैं एनर्जेटिक होते हैं मीठा खाने के बाद तो उनकी खैर और आपकी भी खैर नहीं होती। लेकिन मैंने अक्सर पाकिस्तानियों को देखा है, खाना खाया वो भी रात का, बेगम मीठे में क्या है, डेली मीठा बनता है, कुछ ना कुछ घर में डेली मीठा होना खाने का मेन्यू है। और चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे मैं कितने ही नुकसानात और थोड़े बहुत एनर्जी वाले फ़ायदे बता दूं, जिसकी आदत है वो रहेगी। और लोगों की आदत लाइक मेरे अब्बा की भी आखिरी मतलब मुझे कुछ साल पहले तक की बात है, जब शुगर थी वो पहले तो मीठा खाते थे, जब शुगर हो गई फिर मैंने उनको दही खाते हुए देखा है, दही में हल्की सी चीनी मिला लेते थे, मतलब मीठा नहीं होता था तो भी उनको कुछ ना कुछ एक स्वीट टूथ के लिए चाहिए होता था, दही में चीनी मिलाकर खाना या चावल के अंदर कुछ चीनी मिला के खा लेना। लोगों के यहाँ आदत होती है, कुछ और नहीं पका तो चीनी फांक लेते हैं यार कि कुछ मीठा खा लें। सो आज मैंने कहा कि वो जो आदत है क्या करें, ख़वातीन को भी तो परेशान हो गई है ना। अब नुकसानात मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिए, लेकिन ख़वातीन को वैरायटी चाहिए। अब मीठे में क्या क्या बनता है, चलिए मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, कस्टर्ड, जेली, खीर, ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का हलवा, ट्राइफल बन जाता है, सूजी का हलवा बना लेते हैं, चने की दाल का हलवा बना लेते हैं जो कि बहुत मुश्किल होता है, सवैयाँ बन जाती हैं,
बस और घर में नहीं समझ आता क्या बनाए, तो जिसके घर में रोज मीठा खाने का रिवाज है उसको तो वैरायटी चाहिए। सो मैं आपकी बड़ी फिक्र करती हूँ कि आपके जो नंबर हैं वो कहीं भी कम नहीं होने चाहिए, चाहे वो मीठे में ही क्यों ना हो। तो आइए, सर्दियों में ज़्यादा दिल चाहता है मीठा खाने का, सरप्राइज़ करें अपने घर वालों को नई नई रेसिपीज़ उनको बता के। आज हमारे शो पे हलवे मांडे सीखेंगे आप, सुना है ना ये वर्ड हलवे मांडे, तो यही होने वाला है आज। कुछ अलग अलग मीठे, अलग अलग हलवे, अलग अलग चीज़ें आप तक पहुँचेंगी, अलग अलग लोगों की रेसिपीज़ आप तक पहुँचेगी, और आपने सब नोट करना। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, जल्दी से पेन पेपर संभालें या मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड है उसको खाली करें, क्योंकि आपने इसे भरना है। और अगर आप नहीं कर सके ये सब चीज़ें, गौर से शो देखें, और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब यूट्यूब हमारा जो शो है पे अपलोड हो जाएगा तो उसको बार बार चला के देखिएगा कि ये हलवे मांडे जो आपके लिए बना रहे हैं इसकी रेसिपीज़ क्या है। थोड़ा सा टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ब्रेक के बाद मुलाकात करें हलवे मांडे सीखने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हलवे मांडे सिखा रहे हम आपको। बड़ा दिल चाहता है, मुझे पता है ख़वातीन का, कि जब वो घर में होती हैं तो वो चाहती हैं कि वो जो हलवाई की दुकान पे वो हलवा मिलता है, वो मीठा मिलता है, वो हम वैसा ही बनाएं, लेकिन कुछ भी कर लें वो वाला टेस्ट आ नहीं पाता। तो आज हमने ये फैसला किया कि आपको घरेलू हलवे अलग और बाज़ार के हलवे अलग सिखाएंगे, मगर हमारी कुछ सलीका शार सेलेब्रिटीज़ जो वक्तन फ़वक्तन हमें ये बताती गई हैं कि मीठा बनाना उनके दाएं हाथ का खेल है, उनको भी हमने यहाँ मधु किया है। तो आइए वेलकम करते हैं शर्मीन अली, निदा मुमताज़ एंड मिजना वकास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप तीनों? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप तीनों को खाने का शौक है कि खिलाने का शौक है? उफ, खाने का, मीठा मीठा तो वैसे ही वीकनेस आपको बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो वैसे ही वीकनेस, आई थिंक सबको अब पता चल चुका होगा कि मीठा मैं रिजिस्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आप बताओ मिजना, खाने खिलाने दोनों का? दोनों का। और पकाने में भी तो मेरे ख्याल से एक्सपर्ट हो, है ना? तो अगर मैं आप तीनों के घर का पूछूं, तीनों के घर की सिग्नेचर मीठा होता है सबके घर का। फॉर एग्जांपल हमारे घर का वॉलनट टॉफी बन चुका है, क्योंकि जल्दी बन जाता है, तो हमारे घर का सिग्नेचर मीठा बन चुका है वो। आपके घर का क्या मीठा है? मैं बनाती हूँ थ्री मिल्क केक। ओह, बड़ा मुश्किल सिग्नेचर है भाई। एक थ्री मिल्क केक मैं बनाती हूँ, और एक आपने खाया होगा एक बहुत ही फेमस जगह का, वो बहुत ही जो लेडी है वो बहुत मज़े का बनाती है, शॉर्ट ब्रेड, जो कि स्ट्रॉबेरी सीजन में, आंटी मुनव्वर, जी हाँ, तो वो कस्टर्ड के साथ, तो ऑब्वियसली उनका वाला वो मुकाबला तो नहीं हो सकता, लेकिन घर में मैं एक तो ये शॉर्ट ब्रेड बनाती हूँ। मुश्किल सिग्नेचर है तुम्हारा। हाँ, क्योंकि वो अच्छा बन जाता है, बड़ा मजे का बनता है, तो मैं ये दो डिशेज जरूर बनाती हूँ। आपके घर का सिग्नेचर मीठा? मेरे घर का डिपेंड सीजन पे करता है। अब जैसे अब विंटर है तो विंटर में गाजर का हलवा, गजर भत्ता जिसको हम क्या करते हैं, क्या गजर भत्ता, जिसमें गजर भत्ता जी, जिसमें गाजर और चावल मिला के उसको खीर बनाते हैं। उसको हम कहते हैं गजरेला। हम तो पंजाबी में गजरेला कहते हैं ना, लाहौर में, यहाँ पर कराची में गजर भत्ता कहते हैं। मैंने आज तक गजर भत्ता नहीं सुना। मेरी अम्मी तो गजरेला ही कहती है, हम कराची के भत्ता कहते हैं यहाँ पर, काफी लोग उसको, मैंने गजरेला सुना है, गजर भत्ता नहीं पता। और मुझे सूजी का हलवा, टू गुड सूजी का हलवा मुझे बहुत, आपके घर में बनता है? मुझे सबसे आसान होता है सूजी का हलवा, लेकिन भाई नहीं आसान नहीं होता, उसको बनाना एक टेक्निक है, और उसको जब तक आप लोग बड़ा गले से उतारते, मैंने लोगों के जिसके घर पे बना है, मैंने कहा है गले से उतार के रख दिया हमारे साथ। उसको बनाना एक बड़ा टेक्निक है, उसको जितना भूनेंगे उसको उतना ही मजेदार बनेगा, अदरवाइज तो बड़ा एक अजीब सा सिंपल सा बनता है। तुम्हारे घर का सिग्नेचर खीर, शाही टुकड़े और बिस्किट लेयर केक। शाही टुकड़े, शाही टुकड़े और बिस्किट, क्या बिस्किट लेयर केक, जल्दी बन जाता है, बहुत अच्छा होता है। हाँ, बच्चा बहुत शौक से खाता है। यम, चाय टुकड़े आए मेरे, तुम क्या करूँ। अच्छा, मेरी अम्मी बनाती है अपने घर की दावतों में चने की दाल का हलवा, ये भी मेरा फेवरेट है, लेकिन वो बहुत मेहनत से बनता है, और वो अम्मी को कहते हुए भी डर लगता है कि अम्मी बना दें, लेकिन विंटर में बड़ा दिल चाहता है, विंटर्स में
बहुत मजे का। मेरे अब्बू की मोमानी बनाती थी, जिस तरह मैंने नोट किया जो लोग अच्छा अचार डालते हैं और मीठे बनाते हैं, फिर खानदान में लोग उनको कहते हैं भाभी प्लीज वो मीठा बना दे, तो वो जैसे वो अक्सर हमारे घर आती थी अब्बू की मोमानी, तो वो हमारे घर वो दाल का हलवा, वो कतलियाँ काट के इस तरह, और एक सूजी का हलवा, इस तरह अलग अलग हलवे बना के ना डब्बे में लेकर आती थी वो। हम लोग अभी शूट कर रहे थे एक प्ले की, जियो का प्रोजेक्ट था, उसमें असद सिद्दीकी को बड़ा जोश चढ़ा कि मैंने दाल का हलवा बनाना है। आप हर एक से पूछ रहे हैं कि आप कैसे बनाती हैं, आप कैसे बनाती हैं। तो उन्होंने खुद बनाना था क्या? भाई उसने खुद बनाया। वाह, और कैसा बना? अच्छा बना, उसमें थोड़ी सी कमी थी जाहिर है, उसने फर्स्ट टाइम बनाया था। दाल का हलवा कच्चा रह जाता है ना, तो उसकी कसर आपको फील होती है, या जल भी जाता है वो भी फील। फिर दूसरे दिन दोबारा बनाया, हमारे डायरेक्टर आबिस रजा और महमूद असलम सब ने मिलकर फिर उसको ठीक किया। मैंने कहा तुम लोगों की जिंदगी में और कोई हलवे यही ठीक। अच्छा अब देखो, मीठा खाने का भी एक टाइम होता है, आपका ना क्रेविंग हो रही होती है। सो अगर मैं तुमसे ये पूछती हूँ तुम्हें कब, कौन से वक्त क्रेविंग होती है? हर वक्त मीठा मैं हर वक्त खा सकती हूँ। मुझे जब मैं सुबह उठती हूँ तो नहारमू में मुझे बहुत दिल चाहता है मीठा खाने का, लेकिन बचपन से सुना है कि नहारमू ना खाओ शुगर हो जाएगी। पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन वो उसको मैं रिजिस्ट करती हूँ। और फिर खाने के फौरन बाद तो मुझे इतनी इंटेंस क्रेविंग होती है कि मुझे थोड़ा सा ही हो लेकिन मीठा खाना हो। खाने के फौरन बाद डिनर में, डिनर के बाद जब तक कि मैं मीठा ना खाऊं मुझे लगता है मेरा मील इनकम्प्लीट था। मैं जिम जाती थी, शेप्स पे मैं जिम जाती थी, तो एक लड़की आती थी वहाँ, वो रोज़ कहती मैं रोज रात को एक केक, एक पाउंड का केक खाना मेरा जरूरी। केक, और वो पूरी तरह एक्सरसाइज करती थी सिर्फ इसलिए। पतली थी मोटी थी? मतलब चबी थी, लेकिन मैं उसको बहुत मोटा नहीं कहूँगी। ओके, लेकिन वो सिर्फ एक्सरसाइज ही सुबह रेगुलरली इसलिए करती थी क्योंकि रात को उसको वो केक खाना होता। कहती मैं बिला नागा डेली केक खाती हूँ, और अगर मैं ये एक्सरसाइज, इतनी एक्टिव एक्सरसाइज करती थी, मैं कहती थी बात सुनो एक्सरसाइज तो तुम इतना कर रही होती लेकिन माशाल्लाह तुम चबी हो। कहती नेदा मैं रोज केक खाती हूँ, और अगर मैं ना खाऊं, अगर मैं एक्सरसाइज ना करूं तो मैं ये हूँ। तो इसीलिए वो उसको बर्न करने के लिए सुबह बर्न करती थी, रात को पूरी कैलोरी। मैं भी यही करती हूँ, मैं वर्कआउट इसलिए करती हूँ ताकि मैं वर्कआउट करने के बाद अपना मीठा खा सकूं। और दूसरी बात ये कि मैं रोटी और चावल इससे नहीं खाती क्योंकि मैं वो छोड़ सकती हूँ कार्ब्स, लेकिन मैं मीठा नहीं छोड़ सकती जो कि वो भी कार्ब्स हैं। तो मैं रोटी चावल मैं रूखा खाना खा लेती हूँ, जो भी सब्जी बनी हो जो भी, ताकि मैं अपना प्रॉपर मीठा एंजॉय कर सकूं। मुझे जुमले सुनने को मिलते हैं, मैंने कहा यार अल्लाह की डाइट कर रही हूँ वो क्यों नहीं मिल रहा मुझे, वजन इतना सा आधा किलो क्यों गिरा? तो ऐसे कह रहे थे तुम रात को चॉकलेटें खाती हो, तो मैंने कहा खाना तो नहीं खाती ना, खाने की जगह मैंने चार चॉकलेटें खा ली है, वो जो पीसेज होते हैं। तो कह रहे बराबर हो गई कैलोरी, बल्कि ज्यादा ही हो गई। मैंने कहा हाँ यार ये तो हो रहा है। आपका बताएं कब मूड होता है मीठा खाने का? मुझे तो जब रात को नींद नहीं आती ना तो मैं मीठा खा के सोती। और तो और ही नींद नहीं आती उसमें, मुझे भी आ जाती है, मुझे तो इतनी मजे की नींद आती है। अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आती, क्या साइंस है? सुबह मीठा खाओ तो हाइपर हो जाते हैं शुगर रश, रात को मीठा खाओ तो नींद ऐसी सुकून की आ जाती है, ऐसी सुकून की नींद आती है। कोई टैबलेट भी काम नहीं करती उसमें, है ना? मीठा खा ले पेट भर के जब आप सोओगे, क्या है? मैंने अपनी प्रॉपर स्टडी नहीं की हुई इस पे, लेकिन मैंने एक बार मैं डॉक्टर के पास थी और मैंने उनको बोला कि मुझे रात को नींद नहीं आती, जिस जमाने में मेरी डाइटिंग बहुत चल रही थी कि मैं पूरी पूरी रात जागती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि बेटा ग्लूकोज की ना कमी हो जाती है, जब आपके जिसम में ग्लूकोज की कमी होती है आपके ब्रेन को नहीं पहुँच रहा होता, तो फिर आप ऑब्वियसली स्लीप नींद नहीं आती। तो नींद को इंड्यूस करने के लिए अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स प्रॉपर हैं तो फिर नींद अच्छी आती है। इसलिए मैंने भी ये नोट किया है कि जब मुझे नींद ना आ रही हो या सोते सोते मेरी आँख खुल जाए और मैं वापस ना सो पाऊँ, तो मैं भी उठ के फिर से कोई चॉकलेट का पीस खा लेती हूँ। प्लीज़ इस पे गुस्सा मत कीजिएगा, हो सकता है कि ये गलत बात हो, लेकिन मैं वो बता रही हूँ जो मुझ पे वर्क करता है। तो मैं उठ के एक पीस चॉकलेट का खा लेती हूँ, इट्स रियली हेल्प्स। मैंने भी नोट किया है किसी मतलब कहीं ऐसी जगह से ज़रा खाना ज़्यादा नहीं खाया हो लेकिन मीठा खाया और एक तस्कीन सेटिस्फेक्शन मिली हो डिनर की, तो मैं नॉन स्टॉप सोती हूँ। मतलब अगर मैं 4-5 घंटे भी रात को सो रही हूँ बगैर उठे हुए, मच्छरों ने काटा होता है अगर कोई मर होता है ना कभी, आपकी आँख कुछ आँख नहीं खुलती, तो सुबह एक सुकून वाली वो होती है, फ्रेश हुई भी होती है। तो ये मीठे की बात होती है। खैर हमने बहुत तमीज बांध ली है, अब जरा चलते हैं शेफ अफजल की तरफ अगर आप लोग चाहें, क्योंकि ये बड़े अच्छे टीचर हैं। मैंने कहा बहुत सारे लोग आते हैं मेरे शो पे,
कैसे हैं शेफ अफजल आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक ठाक। आप क्या सिखा रहे हैं आज? आज मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूँ गाजर का हलवा, और वो भी एक नए तरीके के साथ। नए तरीके के साथ? जी। ऐसा क्या तरीका है नया? वो तरीका ये कि जैसे अमूमन गाजर, सबसे जो मुश्किल काम है ना गाजर हलवे में, वो है गाजरों को कद्दूकस करना। हाँ, वो मेरी एक जानने वाली, उसको तो हाथ भी कट गया। हाथ कट जाते ना अक्सर। तो आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर गाजरें कद्दूकस नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, बिल्कुल साबुत गाजरों का आप हलवा बनाएंगे। ऐसे कैसे? बहुत आसान तरीके से आप बता दो आप। बताए बताए। ये देखें, एक किलो गाजर ये मैंने ली है कढ़ाई के अंदर ना। एक किलो गाजर ले लें और इसको ना आधा आधा लीटर दूध के साथ इसको उबाल लें इस तरह से, और एक कप इसके अंदर पानी शामिल कर लें। ठीक है, जब ये गाजरें गल जाएंगी तो उसके बाद इसको इस तरह का जो मैशर है इसकी मदद से इसको इससे। आपने गाजरें ली कितनी? एक किलो गाजर, ये फिक्स हिसाब है इसका। उसको सिर्फ आपने छीला है बस? जी, छील के अच्छी तरह से इसको धो लें। सही है। शक्ल दिखाएं जरा, कोई कोई कच्ची गाजर पड़ी है जिस तरह जो आपने डाली है? उस गाजर की शक्ल कैमरे में दिखा, मैं उधर ही चली जाऊं। इस तरह की ले ली, सुकून नहीं आ रहा मुझे। अगर ज्यादा बड़ी गाजरें आप लेंगे ना, ज्यादा बड़ी गाजरें लेंगे तो फिर ये जूता उतर गया मेरा, एक मिनट। गलेंगे नहीं। अच्छा, आपने ये गाजर ली इस साइज और इसको कद्दूकस करके इसकी ये काट कर जी, और इसको अच्छे से धो लिया। धो के एक किलो गाजर हाफ लीटर दूध के साथ और एक कप पानी के साथ इसको पका लें। हाफ लीटर दूध और एक कप पानी के साथ इसको पका। कितनी देर लगेगी तकरीबन पकाने में? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट? हाँ, 15 से 20 मिनट के बाद ये गाजर इस शक्ल में आ जाएंगे। और इसको बाद मैशर से मैश करनी। तो आपने हमारी खवातीन का टाइम बचा लिया, तो उसमें टेस्ट खराब तो नहीं आएगा? नहीं, टेस्ट खराब नहीं आएगा, बल्कि टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छा, घर के अंदर जो गाजर का हलवा बनाते हैं उसमें टेस्ट क्यों नहीं आता बाजार जैसा? इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, घर में जो हलवा बनाते हैं वो पकाते हैं दूध के साथ ही, बस दूध के साथ हलवा बनाया और बस काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना, उसके लिए चाहिए होता खोया। जैसे ये खोया बन रहा है ना, आपने खोया लाजमी बनाना है, या अपना बना लें या बाजार से ले आए। अगर अब खोए वाला झंझट हम खुद नहीं पाल रहे, बाजार से ले आए तो क्या करें? या खोया बना रहे हैं या बाजार वाला? नहीं, ये बना रहा हूँ मैं। अच्छा, एक लीटर बनाने का तरीका बता दें जी। एक लीटर दूध ले लें और उसको सिर्फ पका लें और कुछ भी नहीं करना आपने। अच्छा, दूध को पकाते रहेंगे तो हल्की आंच पे? जी नहीं, तेज आंच पे। तेज आंच पे पका रहे तो जल नहीं जाएगा? नहीं जलेगा ना। आप बार बार जो उबलेगा उसको खड़े रहे चूल्हे पे? नहीं नहीं, बड़ा बर्तन ले लें ताकि बाहर ना जाए। देखिए, मैंने इसमें फ्राई पैन में बनाया और मैंने थोड़ी हल्की आंच करके रखा हुआ था। ये तकरीबन 25 से 30 मिनट में बन गया एक लीटर दूध का खोया। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर ये शो देख रहे हैं, जैसे यूरोप में या अरब कंट्री के अंदर, और वहाँ पे जो दूध मिलता है ना, उसका अगर आप खोया बना रहे हैं तो वो आपने दूध के अंदर 2 चम्मच एक लीटर दूध में घी का शामिल करना है। उसकी वजह यह है कि जो बाहर जो दूध मिलता है ना पाकिस्तान के अलावा, वो दूध होता है कम फैट वाला। अगर उसका आप खोया बनाएंगे तो वो खोया फिर नीचे चिपकेगा। अच्छा, सारे मिलते हैं दूध, फैट फ्री भी मिलता है, कम फैट वाला भी मिलता है, फुल फैट वाला भी जी, फुल फैट वाले में भी आपने बाहर जो है वो घी डालना है, वरना वो खोया नहीं बनेगा पाकिस्तान से बाहर। ठीक है। तो हलवे के अंदर टेस्ट लाने के लिए खोया बहुत जरूरी है। ओके, और ये मैं आपको तरीका बताऊं। उसमें चीनी भी नहीं, आपने कुछ नहीं डाली, बस एक लीटर दूध को आपने इतना पकाया कि वो ऐसी शक्ल बन जी। पका के अगर चीनी डाल देंगे तो फिर वो बर्फी बन जाएगी। और तेज आंच पे? जी, तेज आंच पे। जब मतलब आंच आप इतनी भी रख सकते हैं जितनी आंच को आप कंट्रोल कर सकें, यानी कि आपसे जले ना, इतनी आंच पे रख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताएं जरा, गाजर दोबारा से दीजिएगा। गाजर के बीच की जो ये हड्डी होती है येलो वाली, वो भी आपने नहीं काटी? नहीं, वो भी नहीं काटी। तो वो ऐसे गल जाएगी? देखें, जब ये छोटी गाजर होती है ना, इसके अंदर हड्डी नहीं है। हाँ, बिल्कुल कच्ची गाजर है। अगर जो बड़ी गाजर लेंगे उसके बीच में हड्डी होती है। और ले हम छोटी गाजर? जी, छोटी गाजर ले, क्योंकि इसमें टेस्ट भी छोटी गाजर में। और अभी मौसम भी है। अच्छा, जब इस तरह से आप इसको मैश कर लेंगे, उसके बाद आपने एक किलो गाजर के अंदर 200 ग्राम चीनी डालनी है। इससे ना मीठा कम होगा ना तेज होगा, बिल्कुल परफेक्ट। 200 ग्राम? जी, 200 ग्राम। ये इसका रेशियो है। एक किलो गाजर, 200 ग्राम चीनी, हाफ लीटर दूध और एक लीटर दूध का आपने, और एक कप पानी भी तो है, एक कप पानी भी, और एक लीटर दूध का आपने खोया बनाना है। ठीक है। और ये रेशियो है, लिख लें, भूल जाए तो यूट्यूब चैनल में हमारे देख लीजिएगा। और जब गाजर इस कंडीशन में आ जाए तो आपने 2 से 3 इलायची इसमें, इलायची ऐड कर देनी है, और आपने इसके अंदर 200 ग्राम चीनी ऐड कर देनी है। सही है। 200 ग्राम चीनी ऐड करके आपने इसको पका लेना है। ठीक है। यानी ये जो दूध का जो पानी रह जाएगा ना, दूध का, गाजरों का, ये आपने ड्राई कर लेना है। जब आप इसको ड्राई करेंगे तो ये फिर इस कंडीशन में आ जाएगा। ये मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ। अच्छा, जब चीनी आपने डाली है कब, ये मुझे बताएं जरा। चीनी जब डालनी, जब गाजरों को मैश कर देंगे, जैसे जब पूरे मैश हो जाए। हाँ, जैसे अभी ऐसे आपने, उसके बाद ये टाइमिंग है चीनी डालने की। हाँ, समझो, ये अभी आपने कद्दूकस कर ली गाजरों को, ये इस कंडीशन में आ गई है। ठीक है, जैसे हम कद्दूकस करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह।
ठीक है, उसके बाद क्या करना है? ये पक पक के हमारे पास टाइम कम है ना, अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें गाजर कैसी हो जाएगी? हाँ वो मैं आपको दिखाए बिल्कुल, मतलब कि पूरा इनका पानी खुश्क, दूध वूध सब खुश्क होने के बाद इसमें खोया नहीं मिला हुआ अभी? नहीं, खोया वही है जो दूध का अपना बनाया खोया, क्योंकि दूध ने पक पक के खोया ही बनना होगा ना। नहीं नहीं नहीं, अभी इसमें कुछ नहीं, खोया गाजर का जो आपने वो दिखाया चीनी डालने के बाद पका पका के वो ऐसी शक्ल का हो जाए। जी ऐसी शक्ल का हो। और ये जो इसमें व्हाइट शक्ल नजर आ रही है आप लोगों को, ये कलर देख रहे हैं आप, ये सेकंड स्टेप, ठीक है? ये जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है ये इसके अंदर खोया है, ठीक है? अच्छा खोया भी मिलाया हुआ है? नहीं, खोया तो दूध का अपना है जो हमने हाफ लीटर दूध, जो दूध में पकाया था, तो वो खोए में आई मेरे। हाँ ठीक है। अच्छा जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करना है, पानी ड्राई होने के बाद। हाँ पानी ड्राई होने के बाद पहले हमने घी भी कुछ नहीं, कुछ नहीं डालना। अच्छा शुरू में अगर आप घी डाल देंगे उससे क्या नुकसान होगा? क्या उसका नुकसान? ये होगा कि हलवा आपका ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा तभी। अगर जैसे आप दूध के साथ बाज़ औक़ात घी भी डाल देते हैं, चीनी भी डाल देते हैं, फिर उसको पकाते रहते हैं, उससे एक तो गाजरें सख्त हो जाती है, कड़क हो जाती है, और दूसरा इसका कलर भी ब्लैक हो जाता है। तो हर चीज को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, फिर हलवे का जो कलर है ना वो बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे बाजार वाला होता है। बिल्कुल, मैं वही कहती थी बाजार का तो खूबसूरत कलर, घर के खाओ तो काले काले। जी जी, ऑफर ही ना, मतलब ऑफर कोई करे तो दिल ही नहीं चाहे देख कर, ये तो कितना खूबसूरत कलर। और जब आप इसके अंदर खोया मिक्स करेंगे ना, और वो भी अपना बनाया हुआ खोया, खालिस खोया, तो उसका फिर टेस्ट देखिएगा। ये तो फिर खुद बनाए आप खोया भाई, नहीं खोया बनाना मुश्किल चाहिए तो खोया बनाना मुश्किल नहीं है। दूसरे चूल्हे पे खोया आपने रखा हुआ है ना, और आप कह रहे हैं तेज आंच पे पका रहे हैं दूध को, सिर्फ तेज आंच पे कितने मिनट लगेंगे? कब? एक लीटर दूध के अंदर 20 से 25 मिनट लगते हैं, जब तक आपकी गाजरें होंगी एक साइड पे आपका खोया रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने किया है, एक साइड पे मैंने गाजरें रखी थी, दूसरी साइड पे दूध रख के खोया हो गया। अच्छा दूसरी गलती जो करते हैं, क्या करते हैं घर में, जब खोया भी डाल देंगे उसके बाद उसको पकाना स्टार्ट कर देते हैं। खोया डालने के बाद हलवे को कभी भी पकाया नहीं जाता, जब आपने खोया गाजरों में डाल दिया उसको सिर्फ मिक्स करें और इसको सर्व करें, बस थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें कोई ऐड करने हो तो वो कर दें, बादाम वगैरह। अच्छा जब वो खोया डाल के पकाते हैं तो क्या गलत, क्या टेस्ट? सख्त हो जाता है हलवा। अच्छा। गाजरें कड़क हो जाती हैं क्योंकि उसके अंदर से एक वो जो एक वाटर एलिमेंट है वो खत्म, थोड़ा सा नरम नरम चीज वो खत्म हो, वो खत्म हो जाती है क्योंकि हलवा अकड़ापन आ जाता है, अकड़ जाता है हलवा, कड़क हो जाता है, फिर वो खाने में टेस्ट नहीं आता, बोलते हैं बाजार से। अच्छा अब मुझे एक और पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब फर्ज करें ये चखा हमने और जो 200 ग्राम चीनी डाली थी वो हमारे लिए लगता है काम है, और हमें अलग से चीनी डालनी है, तो क्या हम ऊपर से डाल सकते हैं या उसका कोई और तरीका नहीं, है? ऊपर से फिर अगर जो आपको पहली बात हुई कि कम नहीं रहेगी, अगर इससे ज्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो फिर बहुत तेज मीठा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि एक दो चम्मच हलवे के खाएंगे फिर दिल नहीं करेगा। हाँ ये 200 ग्राम का बिल्कुल सही है, इससे कम अगर आपको करनी है तो कम आप कर सकते हैं, ज्यादा ना करें, ज्यादा ना करें, मैं तो ये खोया हुआ भी डाला ना मैंने, खोया क्योंकि हलवे के अंदर जो मीठा थोड़ा सा नॉर्मल होगा, जब भी दिल करें चीनी अगर मिलानी है तो उसका प्रोसीजर क्या है? बात प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको गर्म करें चीनी को, हाँ पानी ऐड करके, यानी कि शीरा बना लें उसका, अच्छा, चाशनी अच्छा, बना के अच्छा। वो इसमें ऐड करें, कच्ची चीनी ना डालें, कच्ची चीनी नहीं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इस तरह का हलवा आपका सो ये तैयार है हलवा। और आपने जो इस पे मेवे भी डाले वो भी चूल्हा बंद करने के बाद? अच्छा इसके अंदर जो बादाम आपने ऐड करे ना, बस गलती ये करते हैं कि बादाम छिलके समय डाल देते हैं, वो बादाम होते हैं कड़क, बादाम को आप गर्म पानी में डिप करके थोड़ी देर रख देंगे 15-20 मिनट, उसके बाद इसकी जो स्किन है वो उतर जाएगी, उसके बाद आपने बादाम इसमें। अच्छा अगर जो पिस्ता इसमें ऐड करना है वो भी इसमें ऐड करना है, और अखरोट इसके अंदर नहीं ऐड करने। अच्छा क्योंकि अखरोट की वजह से हलवा काला हो जाएगा, काला हो जाएगा, अखरोट अपना कलर छोड़ देते हैं, कॉम्बिनेशन बादाम का ही होता है, बादाम और पिस्ता या काजू ऐड कर। अच्छा गजरेला, जैसे कि पंजाब में तो गजरेला बनता है, उसका ज्यादा रिवाज है, उसकी भी जरा बताएं रेसिपी अगर हमें गजरेला बनाना। अच्छा गजरेला दो टाइप का बनता है, एक बनता है खीर वाला, एक बनता है सिर्फ गाजर वाला। अब आपको अगर जो खीर वाला गजरेला बनाना हो, निदा इधर आएंगी आप, जरा पंजाब का माल इधर आ जाए। ओके जरा मैं आपसे पूछूं, मशवरे लूं ना जरा। हाँ यस जी, हाँ क्या कह रही हो सादिया तुम? हाँ जी, चावल वाला आपके यहाँ बनता है ना? हमारे यहाँ चावल और गाजर, पहले जैसे खीर बनती है जी, लाइक लेकिन मेरी अम्मा क्या करती थी कि गाजर को पहले भून के ना ऑयल में, देसी घी में, नॉट ऑयल, देसी घी में भून कर, और जो चावल दूध में चढ़ाए हुए होते थे छोटी इलायची डाल के, फिर उसके अंदर वो गाजर भी ऐड करती, लेकिन गाजर की क्वांटिटी कम होती है, चावल भी कम होते हैं, गाजर भी कम होती हैं, लेकिन वो बहुत मज़े का बनता है, और उसको इतना पकाया जाता है जिससे खीर का कलर वो ब्राउन सा आ जाता है। अच्छा इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप गजरेला कभी इस वाली रेसिपी से बना के देखिएगा, एक लीटर आप दूध ले लें और उसके अंदर हाफ कप ले लें आप मिल्क पाउडर का। अच्छा जो चाय वाला दूध होता है, चाय वाला दूध, उसको तकरीबन हाफ लीटर पानी के अंदर मिल्क पाउडर को हल करके
सबसे पहले मिल्क पाउडर को पकाएं आप। ओके। मिल्क पाउडर आपने कहा हाफ लीटर दूध लें? नहीं नहीं, हाफ कप मिल्क पाउडर हाफ लीटर पानी में उसको ऐड करके उसको पकाएं। मतलब दूसरा वाला दूध ना लें, ये आप चाय वाला दूध लें। चाय वाला दूध लें, ठीक है। खुश्क दूध, आधे कप, एक चौथाई कप ले लें चावल, उसको एक दो घंटा भिगो के, चावल छोटे हैं उसको बारीक करके वो मिल्क पाउडर वाले दूध में डाल के चावलों को पकाएं। अच्छा। हाँ, जब वो ड्राई हो जाएगा ना, खुश्क हो जाएगा, जब उसका खोया बन जाएगा, फिर जो आपने जो दूसरा दूध लिया है गीला दूध वो उसमें उठा के ऐड कर दें। हाँ, लेकिन हम लोग तो बना लेंगे ना, लेकिन मोस्टली पंजाब में, लाहौर में खास तौर पे फ्रेश दूध का इस्तेमाल ज़्यादा। अब तो खैर वो चक्कर आ गया ना कि जी आप टेट्रा पैक लेंगे और ये लेंगे, हम नहीं तो, वो तो कह रहे हैं खुश्क दूध। हाँ, क्या बना के एक दफ़ा देखें, एक दफ़ा देखें उसका टेस्ट अलग है, उसका टेस्ट अलग आएगा। और उसमें और कोई चीज़ें डालेंगे वो खीर मिक्स फलां फलां ऐसी? नहीं नहीं, नथिंग नथिंग। और उसके बाद आप उसके अंदर गाजर अपने हिसाब से ऐड कर दें जब आप दूसरा दूध। अच्छा, जरा जो मुझे समझ आया वो ये है, आपने कहा आधा लीटर पानी लिया जी, आधा कप खुश्क दूध लिया, 100 ग्राम होता है आधे कप, 100 ग्राम, ठीक है। इसको आपने पकाया? पकाया और चावल के साथ उबाले का आया, चावल डाल, चावल कितने डाले थे आपने? एक चौथाई कप यानी 50 ग्राम चावल। 50 ग्राम चावल, हम लोगों का तो वो प्यालियों का हिसाब होता है ना, कि एक चौथाई प्याली ले ले। अच्छा, फिर जब वो खुश्क हो जाए ना दूध। हाँ। के साथ चावल खुश्क हो गए, ड्राई हो गए, फिर जो आपने दूध रखा हुआ है दूसरा वो उठा के उसमें ऐड कर दें। जो दूसरा जो फ्रेश मिल्क है जी वो कितना है? एक लीटर। एक लीटर, एक लीटर दूध रख दें और थोड़ी सी एक गाजर उसमें ऐड कर दें, बस एक गाजर। बस हम लोग तो तकरीबन अगर 3 किलो बना रहे हैं तो उसके अंदर तकरीबन आधा किलो गाजर होती, क्योंकि देखिए खीर या ये जो गजरेला अगर आपको मज़ेदार बना रहे हैं ना, इसके अंदर शर्त ये है कि आपको चावल भी कम रखने हैं और गाजरें भी कम रखनी है, वरना फिर वो अजीब ही बन जाता है ठंडा होने के बाद ना, बहुत सख्त सख्त हो जाता है। नहीं, कोई शक नहीं होता, आप मेरे वाले स्टाइल में बनाए, इतना मज़े का बना। चलें, ये दोनों जब तक बहस कर रहे हैं हमें आपको मौका दे रहे हैं कि एक ब्रेक ले लें, क्योंकि मुझे पता है मुंह में पानी आ गया है, तो ज़रूर। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हलवे मंडे। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको हलवे मांडे सिखा रहे हैं। हलवे मांडे का मतलब क्या होता है? हाँ, ये भी मैं पता नहीं क्या कहते हैं, बड़ा ड्रामा होता है, बड़े हलवे मांडे। हाँ। और ये वो पंजाबी का ये मुझे लगता है ये मुहावरा है शायद, है ना? हाँ, हलवे मांडे ऐसे मैंने कहा यार, ये नाम रखते हैं मुहावरा, जरा याद रहेगा लोगों को। अच्छा, बहुत सारे लोग खास तौर पे आपके खानदान में मशहूर होते हैं, कोई अचार डालने में मशहूर होता है, कोई हलवे बनाने में, मीठा बनाने में मशहूर होता है कि बहुत अच्छा बनाते हैं। तो अगर सबके जो होता है ना वन डिश पार्टी होती है और सबके हिस्से में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आती, तो मीठा हमेशा उसको दिया जाता है जो एक्सपर्ट होता है खानदान का। सो मिर्जा, तुम किस चीज़ में एक्सपर्ट हो खानदान में? मेरे हाथ की सबको सिर्फ खीर ही पसंद आती है। नहीं, खाली मीठे की बात नहीं कर रही, वन डिश पार्टी अगर खानदान में होती, बिरयानी तवे वाली जो, तो तुम्हारी, तुमने बिरयानी बना के लाई। आपने दाजी? मैं फूड ट्रैफल, खीर। अच्छा, ये सैलड्स वगैरह, सैलड्स। और तुम, जब तुम्हारी सारी बहनें वगैरह सब? मेरे हाथ की जो सबसे ज्यादा पसंद है पूरे खानदान को, मेरे फ्रेंड्स को, वो निहारी है। ओह, बीफ बोंग निहारी विद नली, जो कि हमारी बनती है 20 घंटे में, पक पक के, 20 से 22 घंटे में, पक पक के, पक पक के, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज बनती है। और ये मेरी अम्मी ने भी, मेरी दादी की रेसिपी थी, तो हलीम का बहन भाई हो गया, बहुत मजे, लेकिन बहुत डिफरेंट, बहुत मजे की बनती है, आपको बाजार में ऐसी नहारी नहीं मिलेगी। तो कोविड के जमाने में तो मैंने ऑर्डर्स भी लेना शुरू कर दिया, घर में बैठी भी होती थी, कुछ तो करना था, आई वाज गोइंग क्रेजी नॉट डूइंग एनीथिंग। मिले ऑर्डर? बहुत बहुत। तुम सारा दिन रोज उठ के कोविड में निहारियां बनाती? यस। और निधा, तो तुम्हारा नाम हम क्या रखते? शर्मीन निहारी, शर्मीन पकवान। मैंने अपना किचन, अपना फूड बिजनेस घर से स्टार्ट किया हुआ था, मैं बहुत खाना बना रही थी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट्स भी बंद थे और लोगों को एक सेफ्टी मेजर्स के साथ जो बना हुआ खाना चाहिए था। मेरे बीफ बर्गर्स लोगों को बहुत पसंद है, जो मैं घर में बनाती हूँ सारा फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग। तो लेकिन जो बहुत ज़्यादा पसंद है वो नहारी पसंद है। हाँ। और जो मैं इटालियन खाना बनाती हूँ जिसमें पास्ता, लज़ानिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस तुम नमाई दावत कब करी? और खाउसे तो एक दफा है ना, खाउसे भी तो मैंने एक दफा यहाँ पे बनाया था, वो बहुत सिंपल रेसिपी थी, बहुत सिंपल रेसिपी, मेरा डिलीशियस, मेरी रेसिपी चेंज हो गई घर की इसके खाउसे खाने के बाद। मैंने कहा ऐसी की तैसी उस खाउसे की, ये खाउसे बना, और कितनी जल्दी बनते हैं ना, और इतने मजे के थे कि मैंने कहा यार वाओ, जबरदस्त जी। इरम, इरम हमें सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
आपका गुड़िया किसका? जी जी गुड़िया का किचन। गुड़िया का किचन जी। आपको घर में सब गुड़िया कहते हैं? जी गुड़िया कहते हैं। अल्लाह क्यूट। ये कितना मजे के नाम रखते हैं ना हमारे माँ बाप, गुड़िया, बेबी, डॉली, डॉली। आप चाहे किस भी उम्र के उसमें पिंकी, मगर अगर आपसे कोई फोन पे बात करेगा उसको लगेगा टीनेजर ही है ना। मेरे मैके का नाम है गुड़िया। मैके का नाम गुड़िया है जी। अच्छा, मैके में सब मुझे गुड़िया कहते हैं, तो मेरा पेश का नाम मुझे रखना था, तो मैंने क्या कि मेरी बेटियां कह लेंगी कि गुड़िया का किचन ही आपका सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ। तो फिर मैंने गुड़िया का किचन, गुड़िया का किचन काफी सालों। तो क्या आपका जो पेज है उस पे आप यूट्यूब चैनल है क्या है? यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। अच्छा जी। और उस पे आप रेसिपीज सिखाती हैं? नहीं नहीं, मैं ऑर्डर्स देती हैं मेरे पास जी, ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं मेरे पास। और कितना अर्सा हो गया ऑर्डर्स लेते हुए? मुझे 4 साल हो गए। तो ये कैसे सोचा आपने कि मैं ये ऑर्डर्स लेने वाला काम करूं? मैंने बस घर में ही पकाती थी मैं। हाँ। कोई ऐसा वो नहीं था मेरा पकाने का, लेकिन मैं जो हूँ बस शम्मा के साथ जो है मैं आई पेज पे एंटरप्रेन्योर्स पे। तो अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स सारे थे तो उसमें। तो मैं शम्मा के साथ ही हूँ। तो आप लोग पार्टनर्स हैं क्या? ये नहीं, अलग अलग हैं। सारी खवातीन एक दूसरे को हेल्प करती हैं, यार देखो मैं भी कर रही हूँ तो चलो तुम भी आ जाओ। हम नहीं कहते हम उस सैलून जा रहे हैं तुम भी आ जाओ, ये वो। उस तरह अपने दोस्तों को सब हेल्प करते हैं। तो हेल्प जो है मुझे इनसे मिली, क्योंकि मैं घर में जब मैं पकाती थी सब कुछ करती थी तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, क्योंकि जाहिर है खुद से इंसान कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मुझे एक बात बताएं, फायदा होता है अपने सोने की चूड़ियां बना सकता है इंसान अगर मियां नहीं दिला रहा हो? नहीं, बना सकते, बना सकते हैं जब आगे चला जाता है काम और हो जाता है तो फिर बना सकते हैं। घर में तो आप पका पका के थक जाओ तो कभी तारीफ करते हैं कभी नहीं करते। हाँ। लेकिन जब आपको पैसे मिल रहे हो खाने के, सबसे मेन चीज है कि मेरी पॉकेट मनी समझे कि मेरी कपड़े सब चीजें शॉपिंग मतलब किसी से लेना नहीं पड़ता, अपना पॉकेट मनी। और क्या चाहिए इंसान को? बस औरत को तो यही चाहिए है ना। अच्छा, पूरा हो जाता। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? मेरी स्पेशलिटी जो है ना, वैसे तो खैर खानों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ाफ़रानी बिरयानी है मेरी और बलूची टिक्का, दो चीज़ें मेरी फेमस हैं। अच्छा जी। तो अभी आज आप हमें क्या सिखा रही हैं? और ये भी मेरी फेमस है जो मेरे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जाते हैं, ये हैं वो गोंद मखाने। गोंद मखाने जी। ओ, ये जो ये पंजीरी टाइप नहीं, पंजीरी नहीं होती ये, पंजीरी में तो सूजी होती है, इसमें अच्छा, सूजी नहीं होती। तो ये मोटा नहीं करेगी? अच्छा, मैं भी नहीं, जो नहीं। पंजीरी बनाती हूँ उसमें सूजी नहीं डालती हूँ, सिर्फ गोंद मखाने, चार मगज और ड्राई फ्रूट में खोपरा, पिस्ता बादाम। हाँ, पिस्ते बादाम और गोंद और खोपरा, ये मगज। और ऑर्डर आना शुरू हो गया बहन, मोबाइल बंद कर दो अभी। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताएं इसको खाने से हमें फायदा क्या होगा? इसके सबसे ज़्यादा डिलीवरी के वक्त खाई जाती है ये। अच्छा, जैसे सबसे ज़्यादा डिलीवरी में जब, और मेरे पास जो आते हैं ना ऑर्डर्स, वो इसीलिए आते हैं कि जैसे उनकी प्रेगनेंसी हुई है या वो है डिलीवरी हुई है। प्रेगनेंसी के दौरान खाए या डिलीवरी के बाद? डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के बाद। अच्छा जी। उसमें ये होता है कि सब इसमें कमर कस भी जलता है। मतलब आप ये कहने का मकसद है एक सॉर्ट ऑफ पंजीरी है लेकिन इसमें सूजी नहीं है? जी, सूजी नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में तो नादिया दादियाँ इसको साइलेंट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, मैं आपको बताऊं क्यों खाते हैं ये डिलीवरी के बाद, क्योंकि इसमें जो मखाने हैं ना, जो व्हाइट वाले होते हैं, फॉक्स नट्स कहते हैं, इनमें बहुत ज्यादा विटामिन डी और कैल्शियम होता है। ओ, बहुत ज्यादा। हाँ। दे आर वेरी गुड फॉर योर बोन्स। और वो फैटनिंग भी नहीं होते बहुत। फैटनिंग उस सूरत में नहीं होते कि आप उनको रोस्ट करके खाएं। अगर आप उनको घी में तल के खाएंगे तो वो फुल ऑफ फैट्स हैं, जिसकी वजह से मेरी गायनोकोलॉजिस्ट ने, जब अम्मी मेरी डिलीवरी हुई और अम्मी ने कहा कि मैं, क्योंकि अम्मी ने भी खाए अपनी सारी डिलीवरीज के बाद और बहनों को भी खिलाए, तो अम्मी ने जब मेरे लिए कहा कि मैं इसे खिलाऊं, मेरा वेट बहुत पुट ऑन हुआ था, उन्होंने कहा सोचना भी मत कि तुम पंजीरी इसे खिलाओ क्योंकि इसका वेट बहुत बढ़ेगा, बहुत फैटनिंग होती है, खिलाना है तो ये जो मखाने होते हैं इनको रोस्ट करके खिलाओ। ओके। तो आपके अंदर सारी न्यूट्रिएंट्स जा रही हैं लेकिन फैट नहीं जा रहा। नहीं जा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पसंद है तो वो टेस्ट के लिए भी बहुत खाते हैं। क्योंकि पता है मैंने नोट ये किया है, आप यंग होते हैं जब, तो आपको ना फिक्र नहीं होती न्यूट्रिशन की और इसकी उसकी, क्योंकि उस वक्त तक कोई साइन नहीं होता ना घुटनों का, कमर का। जी। अभी आप बस, मैं मुझे नहीं खाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अक्सर मैंने बच्चियों को जबरदस्ती अम्मा कह रही होती पंजीरी खा लो, नहीं खाती, सो इसलिए शायद थोड़ा मजे की होगी तो खा ले। मुझे बताएं क्या रेसिपी है इसकी? इसमें सारी चीजें तो फ्राई होके निकलती हैं, मखाने भी और गोंद। आप कैसे बनाती हैं? आप अपनी ये सारी चीजें मुझे बताएं, एक एक करके बताएं। मगज, चार मगज, बादाम। चार मगज में कौन कौन से सीड्स होते हैं?
वो एक पूरा पैकेट आता है, चार मगज का पैकेट आता है। अच्छा, पंपकिन सीड्स होते होंगे, पंपकिन सीड्स होते हैं छोटे वाले सीड्स होते हैं, उनको कहते हैं चार मगज। ये अच्छा होते हैं, ये आप पंसार की दुकान पर बोले चार मगज दे, हर जगह मिल जाता है। अच्छा, हर जगह मिल जाता है, ठीक है। तो ये चारों मगज हैं, और मखाने और बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ते, और ये है, मैंने वो काटा हुआ है, खोपरा है और किशमिश है, और छुआरे वो भी छोटे छोटे कर लिए। जी जी, वो अच्छा, अब आपने इन सब चीजों को एक साथ मिलाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग सबको फ्राई करके, फ्राई करके अलग अलग रखा है, सबको अलग अलग करती है, कोई मेहनत नहीं होती है, बहुत जल्दी बनता है, जल्दी जल्दी बन जाता है। और उसमें शुगर का भी यही है कि मेरे पास जो ऑर्डर आते हैं उसमें होते हैं विदाउट शुगर, लोग बनवाते हैं जो शुगर नहीं। आपने एक छोटे छोटे चॉप जिस तरह कचूमर बनाते हैं उस तरह छोटे छोटे चॉप? नहीं नहीं, इसको फ्राई करके जब निकालते हैं तो इसको इमाम दस्ते में मैं कूटती हूँ। अच्छा, कूटती हैं आप? इमाम दस्ते में थोड़ा मोटा मोटा रखती हूँ कि मतलब ना ज्यादा भारी, जिसे दरदरा कहते हैं। क्या क्या कूटती हैं आप इमाम दस्ते में? सिर्फ गोंद मखाने या फिर चारों मगज भी कूट? नहीं नहीं, सिर्फ इसके चारों मगज के अलावा, और ये भी नहीं होते, ये भी नहीं कूटते, ये नहीं बोले, नाम बताए, किशमिश, छुआरे और खोपरा, ये भी नहीं कूटे जाते, और ये मगज भी नहीं कूटते। इसमें ये चीजें देखें, ये वो है मखाने और मगज और बादाम, काजू, अखरोट, इसको हल्का सा दर दर से कूट लेते हैं, ठीक है, कि वो खाने में जरा आसानी रहे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उसके बाद? फिर उसको सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके और इसको थोड़ा सा भूनते हैं, जरा एक मिनट, फ्राइंग पैन में मिक्स करते हैं सब चीजों को, अलग अलग भूनने के बाद कूट के जो कूटने वाली चीजें हैं उनको कूट लेते हैं, और फिर सब चीजें मिक्स करके और फिर उसको भूनते हैं थोड़ा सा, और असली ये भी घी का एक एक चम्मच डाल के भून, अच्छा फ्राई होता है, ठीक है। और बाद में भी घी डलता है, घी जैसे अपने हिसाब से जो जितना लोगों को पसंद होता है उतना घी डालते रहते हैं और भुनाई करते रहते हैं। सही है। तो हल्की गोल्डन, चीनी कब डालेंगी आप? उसी में भुनाई में, जब सब चीजें पतीली में डाल देंगे ना, फिर उसके बाद चीनी डाल के और फिर उसको भूनते हैं थोड़ा, ठीक है, जब सबको इकट्ठे कर लें, जब इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। कुछ पूछ रही थी मिस ना? नहीं, मैं पूछ रही थी, मैंने कहा आप देसी घी का इस्तेमाल करती हैं या डालडा? देसी घी ना, ये चीजें तो देसी घी, ये चीजें तो देसी घी में ही मजा आता है, खुशबू जो आती है इसकी। अच्छा, आगे तो बताएं, डालडा भी यूज करते हैं, आगे बताएं फिर क्या होगा? बस बन गया? जी जी, चीनी डल गई, बन गया, बस चीनी डल गई, और इसको मिक्स करेंगे और ये तैयार है। फिर इसको आप डब्बे में रख के, बर्नी में रख के आप इसको रखें, चलते फिरते खाएं, आप ऐसे खाएं, चलते फिरते खाएं तो 20 किलो वेट बढ़ाए। नहीं तो चलते फिरते भी आप खाएंगे तो एक चम्मच दो चम्मच। नहीं तो गोंद किधर है? गोंद कहाँ है? गोंद तो डाली नहीं आपने? गोंद इसी में ही मैं आपको तो बता रही हूं, मुझे बताया नहीं गोंद का, बताया इन्होंने? जी गोंद भी मैंने कूटी है ना। अच्छा, गोंद मखाने आप एक साथ बोल रही हैं? जी गोंद भी मखाने, मुझे गोंद की शक्ल दिखाए, गोंद इसी में है मैं। गोंद तो कैसे मिलती है? वो मिल जाती है, गोंद जो होती है ना वो छोटे छोटे पेबल्स टाइप के पीस होते हैं, जब आप उनको फ्राई करते हैं तो पॉपकॉर्न की तरह फूलता है, उसको फिर आप इमाम दस्ते में कूटते हैं। ये ऐसे होता है, गोंद मखाने तो व्हाइट कलर के होते हैं, उनको आप फ्राई करते हैं तो वो थोड़े ब्राउनिश हो जाते हैं। उसका मैंने अलग से खाया, उसका तो कोई फ्लेवर नहीं होता, उसके फायदे बहुत है, उसका फ्लेवर नहीं है। लेकिन गोंद आपके वो वाला वो जो टेक्सचर आता है ना, जो दांतों में भी चिपकता है, गोंद वो होता है जी, वो कैरेमल टाइप बन जाता है बिल्कुल। हाँ, लेकिन टेस्टलेस होता है, मीठा नहीं होता। हाँ, मीठा नहीं होता। हाँ, तो वो सारी चीजें सपोर्ट करती है। एग्जैक्टली, ऐसे गोंद मैंने खा के देखा, कितना गंदा है। नहीं, नहीं, उसका टेस्ट नहीं होता। आपको पता है गोंद गर्मियों में रात को भिगो दो, और जिनको प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जिनके नकसीर वगैरह जो नाक में से, तो वो अगर सुबह में मतलब जिनकी नाक से खून निकलता है, नकसीर फूट जाती है गर्मियों में, तो अगर वो रात में उसको भिगो दें आप थोड़ी सी, गर्मियों में की बात कर रही हूँ, और सुबह में वो निहार मुंह खाएं तो खत्म हो जाता है। क्यों गर्मियों में क्यों, सर्दियों में क्यों नहीं खा सकते? बहुत ठंडी होती है वो। अच्छा, उसकी तासीर ठंडी होती है वो गर्माइश की वजह से ही होता है ना, ब्लड फ्लो। अच्छा, बस हो गया जी, बन गया जी। चलिए जी, शम्मा। इसमें कमरकस भी डलता है, जो अगर कमरकस क्या है? कमरकस जो है वो एक जड़ी बूटी टाइप का होता है, वो लोग इसमें डलवाते हैं कमर के लिए होता है। वो शक्ल दिखाए ना उसकी कैसी? नहीं, वो नहीं है मेरे पास। अच्छा, जरा कमरकस की तस्वीर निकाल के मुझे दिखाओ। पाउडर टाइप का होता है, छोटे छोटे डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के बाद जो है वो लोग डलवाते हैं, लेकिन वो भी सही चीज है, आई डोंट नो, हाफ टी स्पून या इस तरह लोग डलवाते हैं तो मैं डालती हूँ, वरना मैं नहीं डालती। फ्लेवर खराब होता है क्या? जी, जरा कड़वा टेस्ट होता है। अदरक की फॉर्म की टाइप का ही होता है, जैसे वो नहीं होता छालिया के दाने बारीक बारीक से, इस टाइप का होता है।
उसको कूट के मतलब पाउडर बना के वो दलता है, लेकिन मैं कह रही हूँ हाफ टी स्पून से भी कम दलता है क्योंकि उसकी कड़वाहट होती है ज़रा ना। अच्छा, तो लोग दलवाते हैं तो लोगों की उस पर डालती हूँ फिर मैं, लोगों की रिक्वेस्ट। हाँ जी। अच्छा शमा, क्या बताएंगी हमें? मैं बना रही हूँ कच्ची अदरक का हलवा। समा अपने बारे में तो बताए ना, जैसे इनका पेज है आप। अच्छा, मेरा ये है कि मैं प्रोफेशनल शेफ हूँ वैसे। ओ, तो मैंने प्रथम से मैंने डिप्लोमा किया हुआ। अच्छा। और मैं अपना होम बेस्ड बिजनेस भी चलाती थी लेकिन आजकल मैंने उसको रोका हुआ थोड़ा सा। आप घर में क्या, किसने आपको कहा कि चलो तुम भी कुछ इस तरह का काम करो? वैसे तो घर में खाने पकाती थी आप? हाँ, ये मतलब डिप्लोमा करने के बाद कोविड आ गया था तो फिर। शादी से पहले ही किया था, शादी के बाद कोर्स? नहीं नहीं, शादी के बाद ही किया था। आता था पहले खाना पकाना? बिल्कुल, मैं 10 साल की उम्र से कुकिंग कर रही हूँ। ओए होए। और तकरीबन बहुत साल हो गए अब तो करते करते, अब तो ऐसा हो गया कि रेसिपी याद भी नहीं होती, बस खुद ही बना देते हैं चीजें पकड़ के और बन जाती है, इतना एक्सपीरियंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसे सोचा कि मैं प्रथम से कोर्स करती हूँ जाके? और यार इसके लिए ये हुआ था कि मुझे ना कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर ना एंट्री नहीं मिल रही थी कि आप हैं तो आप ठीक है 30-35 साल से आप बना रही हैं खाना, ये है सब कुछ है, लेकिन आपके पास कोई डिप्लोमा, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, कोई डिग्री नहीं है आपके पास। तो फिर मैंने जाके प्रथम से वो फिर अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप फिर आपका पेज किस नाम पर है? मेरा जो है शमा राशिद के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरी बहुत सारी रेसिपीज हैं, तकरीबन 150 से ज्यादा रेसिपीज है मेरी। और इसके अलावा मैं अपनी एक प्लेटफॉर्म चला रही हूँ जिसमें बहुत सारे होम शेफ्स हैं मेरे साथ में। अच्छा, आप खुद चला रही हैं? मैं खुद चला रही हूँ, मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। ओह माय गॉड, आप भी कह सकती हैं मैं भी प्रेसिडेंट। तकरीबन 150 से ज्यादा होम शेफ्स हैं मेरे पास जिनको मैं रन कर रही होती हूँ। अच्छा, और उनके कॉम्पिटिशन, उनके लिए मास्टर क्लासेस, वो सब मैं अरेंज कर रही हूँ। वाओ, तो ये सारी चीजें। अच्छा, तो आप हमें सिखा क्या रही हैं? शमा, मैं सिखा रही हूं, प्रेसिडेंट क्या सिखा रही हैं? हाँ, मेरी वालदा की एक ये ट्रेडिशनल चीज है कि जब वो सर्दियां आती थी ना, हाँ, तो हमारी फैमिली में ऐसा होता था कि पहले से ही वो पंजीरी के लड्डू और मेवे के लड्डू और वो बाजरे की टिकियां वो पहले से बन के रख दिया जाता था। सर्दियों से पहले, सर्दियों से मतलब सर्दियां आने वाली हैं, ये सब चीजें बना के रख दी। सही है। कि वो पूरी सर्दियों में हम लोगों ने खाने होते थे और हम लोग कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। हाँ। हम लोगों को कभी कोई नजला जुकाम खांसी नहीं होता था। वेरी गुड। और वो मतलब वो चीजें जो थी वो फिर हम बहनों ने भी अडॉप्ट की अपनी वालदा से, और हमारे भी अब फैमिली में यही है कि हम जैसे सर्दियां आने वाली होती है ये सारी चीजें। अच्छा, बच्चे खा भी लेते हैं? बिल्कुल, चलते फिरते बच्चों को खिलाएं तो आप। अभी जैसे वायरल बहुत ज्यादा फैला था ना, जैसे अभी पिछले दिनों बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। हाँ। तो लोगों का नजला, खांसी, बेतहाशा हो रहा था, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने एक कच्ची अदरक का हलवा जो था, मैंने उसको कहा कि मैंने क्या इसको बना के देखते हैं, क्योंकि हम लोग तो नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। सोंठ का हलवा तो लोग खा भी लेते हैं लेकिन कच्ची अदरक का हलवा जो होता है ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ पे मैं कच्ची अदरक का हलवा, क्योंकि वो उस वायरल के लिए मैंने खुद बनाया एक रेसिपी, मैंने उसकी क्रिएट की कि यार ये अगर हम लोग घर में बना के खाएं तो उससे जो खांसी, नज़ला, जुकाम, रेशा जो बहुत ज़्यादा आप बहुत फैला हुआ आजकल, तो ये उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। क्या क्या चाहिए? ये हाँ, कच्ची अदरक का जो हलवा है। हाँ। ये तो एक मेडिसिनल पर्पसेस के लिए बिल्कुल डिजर्ट की तरह भी खाया जा सकता है। डिजर्ट खाते में तो है लहसुन का हलवा और अदरक का हलवा सुन के तो मैं तो परेशान रह गई। मैंने कहा हमने कुछ छोड़ा है, उनको भी मीठा मीठे मिलेंगे लहसुन अदरक को। मैं सोच नहीं सकती कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं अदरक और लहसुन के हलवे कभी सुनूंगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा बताएं, रेसिपी बताएं, बहुत तमीज हो गई बाद में। हाँ, मतलब वो तो मेथी दाने का हलवा बनाती थी और हम लोग वो बड़े शौक से। रेसिपी बताओ, टाइम कम है, फिर ब्रेक पे चली जाऊंगी। चले, मैं इसको बनाती हूँ। हमने थोड़ा सा जो था देसी घी को गरम किया। हाँ। और ये कच्ची अदरक है मेरे पास, तकरीबन ये वाला साइज है, इसको मैंने ग्रेट किया। आपने पील कर लिए? हाँ, पील करने के बाद इसको हमने ग्रेट कर लिया बिल्कुल बारीक बारीक, तकरीबन तकरीबन ये मेरे पास है 2-3 टेबल स्पून है। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अच्छा, कितनी देर? अच्छा, इसको हमने इतना फ्राई करना है कि ये पिंक हो जाएगी बिल्कुल। आप उतनी देर तक करती रहेंगी? नहीं, इसको हम थोड़ा सा तेज आंच करेंगे क्योंकि कमी है हमारे पास क्वांटिटी में, तो ये आराम से हो जाएगी। अभी तो अदरक पिंक हो जाएगी? पिंक हो जाएगी बिल्कुल अदरक। अच्छा। हाँ, थोड़ी सी ना मुझे ब्राउनिश कलर, गोल्डन ब्राउन, जिसको हम प्याज को कहते हैं ना, गोल्डन ब्राउन कर लो इसको, सेम हम उसी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप बताती जाए। फिर इसके बाद जो है हम इसके अंदर जब ये ब्राउन हो जाएगी फिर उसमें हम डाल देंगे भुनी हुई सूजी। ब्राउन के पिंक, पिंक तकरीबन। हाँ, अब ये इसमें हम भुनी हुई सूजी है मेरे पास तकरीबन ये 1 कप, इसमें से लेके डाल देंगे इसके अंदर। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे, चाहेंगे तो थोड़ी सी इलायची दाना। अच्छा एक मिनट, बहुत तेज भाग रही हो, यूट्यूब चैनल नहीं है, लाइव शो है। सूजी कितनी डालोगी, चीनी कितनी डालोगी? 1 कप।
वन कप सूजी है तो हाँ। वन कप ही हमारे पास चीनी है। अच्छा, जो ज्यादा चीनी पसंद करते हैं मीठा, वो दो कप भी ले सकते हैं, डेढ़ कप भी ले सकते हैं, अपनी हस्बे जरूरत जो भी। यानी कि आप अदरक का हलवा बनाने के लिए आपको बेस सूजी की चाहिए। सूजी की चाहिए। और अदरक को हमने इसलिए भूनना है कि वो हमें उसकी जो तेजी है ना, वो उसमें टेस्ट में फील ना हो इतनी ज्यादा। तो वो सूजी में जब मिलकर आएगा ना, बनेगा, तो वो तेजी नहीं आएगी। हमें ऐसे बच्चों को भी खिला सकते हैं कि हमें ऐसा लगे कि यार कुछ सूजी का हलवा ही हम खा रहे हैं, और उसके अंदर बिल्कुल टेस्ट और उसकी तेजी नहीं आएगी। और ये मतलब ये दो कप अगर सूजी है हमारे पास, तो दो टेबल स्पून हम उसमें अदरक डालेंगे। तो बेसिकली ये हलवा देखा जाए तो ये जो तुमने बताया हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरक तो वैसे भी बच्चे, मेरे मियाँ तो अदरक चिप्स की तरह खा जाता है खाने के साथ, कोविड में वो जो पतले उसका टेस्ट गया हुआ था, तो लोगों को फ्रेंच फ्राइज बना के देते हैं, हम उसको अदरक काट के देते हैं, प्याज और अदरक, क्योंकि उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा था। उसने कहा जब टेस्ट नहीं आ रहा तो मैं दवाई क्यों ना खाऊं। अच्छा, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या है, चिप्स की तरह खाई उसने अदरक और प्याज चिप्स की तरह। जो ये वायरल हुआ था इसमें भी टेस्ट चले गए थे लोगों के, अक्सर मैंने लोगों से सुना कि भाई स्मेल भी चली गई। पूरी ब्रेक लो, तुमसे ही ब्रेक ललवाऊंगी मैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई फॉरन हलवे, हमारे प्रोग्राम का नाम बताओ अभी क्या रखा है, मांडे स्पेशल के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप अपने जो घर के मर्द हजरात हैं, हमारे दुल्हा भाईज, उनका फेवरेट शो हम कर रहे हैं हलवे मांडे। बस जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो बहन है दूसरी, उसका ससुराल बड़ा रिलीजियस है, और हम कहते हैं कि मौलवियों को मीठा बहुत पसंद होता है, सो उसकी बेटों की जीन्स में भी आया है। अच्छा, मीठे के शौकीन। अच्छा, हस्बैंड भी मीठे के शौकीन, ससुर भी मीठे के शौकीन। तो मैंने कहा सही, आपका मौलवियों का खानदान है मीठों के शौकीन। तो छोटे छोटे बच्चे थे उसके, मीठा खाना अम्मा, हलवा खाना। डिपेंड फैमिलीज पे भी करते हैं ना, अगर जैसे आप अपने बच्चों को यूज टू करते, अगर आप खाने के साथ मीठा रखते हैं तो बच्चे खाते हैं, उनका टेस्ट डेवलप। जब आप हमारे चक्रों में बच्चों को भी नहीं मीठे पे, हमारे घर में नहीं है ये कि खाने के बाद मीठा बने। हमारे घर में और कुछ ना भी हो ना तो बस गुड़ खा लेते हैं हम, ना ही कोल्ड ड्रिंक्स और ना ही मीठा खाना है खाने के। ये ओकेजनली आती है कोल्ड ड्रिंक्स भी, बहुत कम। तो ना हमारे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स की आदत है, ना हमारे बच्चों को ये कि हलवा बना दें। कभी आप लोगों ने कभी टेबल पे रखा नहीं होगा ना, अपने चक्रों में आप बच्चों को भी ख्वार करते हैं यार, वो ओकेजनली होता है ना, ओकेजनली इट्स ओके। हरीरे की बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुगर, ब्लड प्रेशर कोई, हलवे रेगुलरली रोज खा भी नहीं सकते यार। लोगों के घर में बनता है हर रोज मीठा मीठा, हाँ खानदानी चला रहा है। और फिर वो बैठे हुए होते हैं कोलेस्ट्रॉल और पता नहीं डायबिटीज क्या क्या चीजें लेकर। आनी तो है, मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है यार, मेरे ससुराल में अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी मदर इन लॉ को, और कुछ नहीं होता था असर के जो शाम की चाय के साथ, उनको लाजमी कुछ नहीं तो वो सवैया भून के बैठ जाती। मैं आपको बता रही हूँ ये रिवाज है घर के, आप लोग मुझसे मुत्तफिक होंगे। हाँ जी, तो आप क्या सिखा रहे हैं मिस्टर गमथल? अभी हम बना रहे हैं लौकी का हलवा। हाँ। अच्छा, लौकी का हलवा कुछ गाजर के हलवे से मिलती जुलती रेसिपी है, मगर अच्छा, थोड़ा सा तरीका अलग है इसका। ये शादियों में जो बनता है लौकी का जी, हलवा, वही वो घर में क्यों नहीं बनता? हाँ, वो इसकी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, शादियों वाला सिखाया आप मुझे जी, शादियों वाला मैं जरा सीख के आती हूँ, किसी ने आना है अगर सीखना है तो आ जाए, अगर आप लोगों का मूड है तो आ जाए। अच्छा, देखिए ऐसे तो लौकी जी, सबसे पहले लौकी की बात करते हैं। हाँ। लौकी गोल लें, लंबी लें, कैसी लें? देखें, लौकी का जो हलवे के लिए आपको हाँ। लौकी चाहिए ना, वो चाहिए लंबी लौकी, और इसके बीज के अंदर बीज ही नहीं होनी चाहिए, कच्ची लौकी हो। अच्छा। हाँ, अगर बीज वाली लौकी होगी, पक्की लौकी होगी, तो फिर इसका हलवा सही नहीं बनेगा। दूसरी बात कि लौकी के अंदर कड़वापन नहीं होना चाहिए। अच्छा। जो लौकी को आप गोल गोल होती है जी, उसमें कड़वापन होता है, ये तो बेचारी वैसी नहीं, इसके अंदर भी जो छोटी लौकी आती है ना उसके अंदर कड़वापन होता है, अंदर से ब्लैक होती है और कड़वी होती है। ये यही कह रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि लौकी कैसे लें, इसको फिर कड़वा नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे, आप सुना गलत है, मैं आपको बताती हूँ इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा लंबी वाली लौकी हलवे के लिए जिसके बीज ना हो, थोड़ी कच्ची लौकी होनी चाहिए, बीज वाली लौकी अच्छा नहीं बनाएगी, गोल वाली लौकी से नहीं बनेगा हलवा। इन्होंने कहा ये लंबी वाली लौकी लें, आगे बढ़े। उसके बाद इसको कद्दूकस कर लें, इस तरह का कद्दूकस हो इससे कर लें, या घर में जो चॉपर होता है उससे निकाल लें। चॉपर बेस्ट।
अच्छा मतलब, वो जो गाजर के साथ हमने किया था मैश वो नहीं करेंगे। नहीं वो नहीं करेंगे ठीक है। अच्छा। इस तरह और दूसरी बार उसके बाद इसको अच्छी तरह से एक दफा धो के इसको पानी में भी आप इस तरह से उबाल सकते हैं। दो चार उबाल दिला दें पानी के अंदर, ठीक है। एक तो ये तरीका है, पानी में उबाल के इस तरह से इसको पका लें चीनी ऐड करके। यानी एक किलो लौकी होगी तो उसके अंदर 200 ग्राम चीनी अगर घर में आप बना रहे हैं तो एक कप के हिसाब से ले लें, एक किलो लौकी का हिसाब है ये, ठीक है। चीनी के साथ इसको पका लें, अभी कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ चीनी और लौकी और दो तीन इलायची, सही है, सब्जी इलायची डालनी, कोई तेल नहीं डाला है। जैसे आपने गाजर को दूध में पकाया था और मैश किया था, हम इसके साथ ये नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है ना, सख्त होती है, इसे हमें कद्दूकश करना है। कद्दूकश कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको चीनी के साथ पकाएं लौकी को अच्छी तरह से, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद देसी घी इसमें ऐड करें। यानी एक किलो लौकी है तो इसमें आप तकरीबन 50 ग्राम देसी घी लें, 40 से 50 ग्राम चम्मच के हिसाब से, 3 से 4 चम्मच देसी घी ऐड करके 4 से 5 मिनट तक घी के साथ उसकी भुनाई करें। अच्छा, भुनाई करने के बाद जब कलर ऐसा हो जाएगा जी, दिखाएं कलर जरा, भुनाई करने के बाद ये इसका रंग रूप ये होगा। जब घी हमने इसके अंदर ऐड किया 5 मिनट तक भुनाई की तो इसका कलर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर खोया शामिल कर लें। खोए का तो मैं आपको तरीका पहले बता ही चुका हूं, खोया किस तरह, खोया घर में बनाए तो आप कह रहे ज्यादा अच्छा, हां क्योंकि खोया आप घर में ही बनाए, अगर आपको अच्छा हलवा बनाना है, अच्छा आपने जो रेसिपी बताई मुझे तो लगा था पता नहीं क्या साइज, जो बाजार में आपको खोया मिलता है ना वो कभी भी आपको खालिस नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ होता है जरूर है। हम सब कुछ ही घर में बनाते हैं, छोड़े क्या हलवाई की दुकान से लाए। अच्छा, और दूसरी बात, अच्छा दूसरा तरीका एक और लौकी का ये है कि आपने लौकी को कद्दूकश कर लिया, धो लिया, एक किलो लौकी है उसके अंदर आप 1.5 लीटर दूध ले लें, सही है। 1.5 लीटर दूध में, जैसे मैं इसको पानी में उबाल रहा हूँ ना, आप इसको दूध में उबालें। आपने क्यों नहीं दूध में? मैं दो तरीके बता रहा हूँ, दो तरीके बता रहे हैं, एक जो आपको आसानी लगे एक वो है। अच्छा, इसको दूध के अंदर उबालें 1.5 लीटर दूध में, जब दूध का थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा फिर आप उसके अंदर एक किलो लौकी के अंदर वही 200 ग्राम यानी एक कप चीनी ऐड करके उसको पकाएं। वो जो दूध वाला तरीका वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसमें आप कह रहे हैं खोया मैंने अलग बनाया, जैसे जब दूध वाला तरीका है तो उसमें आप अलग से खोया नहीं डालें, उसको फिर दूध के साथ पकाना पड़ेगा ना वो, यानी कि 1.5 लीटर दूध का खुद ही खोया बन जाएगा उसके अंदर। जब खोया यानी कि दूध आधा रह जाए ना फिर उसके अंदर आप चीनी। अच्छा, आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? अभी आप एक पूरा किया नहीं है आपने? नहीं, ये तो हो गया ना, ये तो बता, बस ये हो गया, ये देखिए ये ये खोया मिला। अच्छा, आपने चूल्हा बंद किया, खोया मिलाया और ये तैयार है? बस ये तैयार है। अच्छा, मिक्स करें फिर हम टेस्ट करें। जो भुने, बस इतनी सी देर लगती है यार? अच्छा, जो भुनाई आपने करनी है, अच्छा जो भुनाई करनी है आपने वो लौकी की करनी है, खोया डालने के बाद भुनाई नहीं करनी। खोया डालने के बाद अगर आप भुनाई करेंगे चाहे गाजर का, तो खराब क्या हो जाएगा? वो सख्त हो जाता है क्योंकि खोया फिर बर्फी की तरफ चला जाता है, कलाकंद की तरफ। जैसे कलाकंद होती है ना हार्ड, सख्त होती है बर्फी। हाँ, हलवे के अंदर हलवा आता है बनाना, वो जो घर में बनता है ना, मेरे मीठा कद्दू वाला खोए की बात पूछ रही हैं, मीठे कद्दू का हलवा, मीठे कद्दू का पंपकिन। ओके, ना है कोई चमचा है, हम टेस्ट करें गरम गरम। अच्छा, बस ये बन गया जी, बस तैयार हो गया। इसमें खोया मिक्स करें और ये हलवा रेडी हो गया। मेरे और भी कोई बताएं, बस अब ये हो गया हलवा। और दूसरा ये जो मैं आपको बता रहा था ना दूध वाला, कि इसमें दूध ऐड किया, टेस्ट करेंगे। इतना गर्म है, मुंह ना जला लीजिए, गर्म ही तो मजा आता है, हलवा तो गर्म ही अच्छा लगता। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि जबान जल जाए। मैंने एक दफा शादी पे, मैंने कहा गरम गरम खाओ, तो ये चमचा भरा और मुंह में रखा, पूरी जबान जला ली। हां, वो नीचे फ्लेम, यस फ्लेम पे होगा, अभी भुनेगा। नहीं, खोया ऐड करने के बाद अगर आप भूनेंगे तो फिर सख्त हो जाता है हलवा। नहीं, मैंने आपने कद्दू नहीं भूना सही से। आपको ज्यादा भुने हुआ पसंद है? हां, थोड़ा सा भुनेगा ना, हमने जल्दबाजी में उबाल दिया। हाँ, वैसे मजे का है। थैंक यू, टेस्ट मजे का है बहुत। तुम भी ट्राई कर लो बहन, डाइट पर होगी। नहीं, हाँ कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। अब चलें उधर चलते हैं, घरेलू मामला सेटल डाउन करते हैं। फोन बंद कर लेना बहनों, थोड़ा सा है मजे का, बहुत यम है। जब मेवे डालेंगे इसके, इसके अंदर कौन से मेवे डालते हैं वो तो बताएं। इसके अंदर भी बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट इसमें भी नहीं ऐड करना, क्योंकि अखरोट अपना कलर छोड़ता है, अपना कलर छोड़ता है, हलवा काला हो जाएगा। सुने, मुझे अखरोट का हलवा आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, आप वो नहीं लाए? वो नहीं, आपने अब नेक्स्ट कैसे खाएंगे? नेक्स्ट इसके बाद है बादाम पाक। बादाम क्या? बादाम पाक एक हलवा बनता है थोड़ा सा कड़क। ओ यस वो सीखेंगे, सही है। अच्छा भाई, कुरतुल हैन आफरीदी हमारे साथ है, आप हैं? आप हैं, मैं आप हैं, और आप परफेक्ट प्लेट की तरफ से जी। आपका अपना ये पेज है इसी तरह? जी बिल्कुल, फूड बिजनेस है मेरा। और कब से कर रही है? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, और कैसे, किसने अप्रिशिएट किया, कि किसने ये कान में बात डाली कि तुम पका सकती हो खाना? और घर वालों ने, घर वालों, मेरे ससुराल वाले काफी खाने पीने के शौकीन हैं, तो उनके लिए बना बना के खुद ब खुद मेरा भी इंटरेस्ट था। और वो भी मुफ्त में? बिल्कुल, कोई पैसे भी नहीं मिलते। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना।
लेकिन जब वो तारीफ करते हैं तो वो हौसला अफजाई होती है, तो फिर इंसान और आगे बढ़ता है और बनाता है। लेकिन उन्होंने ही कहा कि तुम अपना पेज शुरू करो। नहीं नहीं, ये तो लॉकडाउन में हुआ था कि पेज मैंने बाकायदा शुरू किया था, वरना ये था कि जानने वाले होते थे दूसरे ब्लॉक वाले या वो जो अप्रोच करते थे तो मैं बना देती थी। वैसे मैं एक बात कहूंगी, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब्स तो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को उनको खुद पता चला कि भाई होल वर्ल्ड Yes, ये नहीं right. सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में लोगों ने घरों में बैठ के बहुत कुछ किया। अब घर में माशाल्लाह मैंने बहुत सी लड़कियों को टर्निंग पॉइंट था, ऑनलाइन बैठ के काम कर रही है, अर्न कर रही है, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, फिर और बताओ। प्रोफेशनली जो है फिर मैंने शुरू किया लॉकडाउन में, फिर ये चलने लगा। तुम अभी हमें सिखा क्या रही हो, अपना क्या एक्सपर्टीज? आज मैं जो है स्पेशल लेकर आई हूँ माइयों का हलवा। माइयों का हलवा आजकल जो है लड़कियाँ जो है उबटन वगैरह नहीं लगाती हैं, तो उनके लिए यह खास ये कि ये वो खाएं तो उनकी स्किन भी ग्लो करेगी और वैसा ही निखार आएगा। उसके अलावा ये होता है कि पुरानी जो चोटें होती हैं उनमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको अपने घर में खाने में भी डाल सकते हैं रेगुलर में, तो ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड होती है। कोई इसमें हल्दी से बनाओगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्रेश हल्दी है, ये देखिएगा, ये लोग सूखी भी नहीं है। तो मैं इसको 15-20 मिनट जो है वो कैरियों के लगाए नहीं तो खा लें, बिल्कुल बात वही की वही होगी। और जो आपके जो दर्द वगैरह है, चोटियों को एलर्जी हो जाती है ना किसी को, उबटन सूट नहीं करती, तो जो जिनको एलर्जी है वो खा लें, खा लें। और टाइम की कमी भी हो तो खा सकते हैं, कौन लगाए कि कदे। अरे यार शादियों का सीजन है वैसे, बड़ा बिल्कुल अच्छा। फिर बताओ क्या इसमें? ये है कि बस इसको 15-20 मिनट पानी में भिगोएं, इसकी मट्टी सही से उतारी, उसको अदरक को हल्दी की आंबा हल्दी की अदरक कह रही हूं, इसको इसको पील करने के बाद इसका पेस्ट ग्राइंडर में बना लिया, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ये बेसन है, इसको भून के रखा हुआ हमने। अच्छा, बेसन कितना लिया, अदरक के वो सॉरी सॉरी आंबा हल्दी की तीली, ये सब क्वांटिटी बताती जाओ। अच्छा, ये 50 ग्राम ये है। अच्छा, इसको पेस्ट बना लिया, 50 ग्राम आंबा आंबा को पेस्ट बना लिया जी, इसको भिगो के छील के इसका ग्राइंडर में रेगुलर जो ग्राइंडर होता है उसमें। और ये देसी घी है, ठीक है ठीक है। और ये देसी घी कितना है? देसी घी भी 50 ग्राम या उससे थोड़ा सा ज्यादा कर ले, क्योंकि हमें भूनना होता है। अच्छा ठीक है, तो जितनी जरूरत पड़ती जाए बाइट करते जाए। अच्छा, आप इसको शुगर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ बनाएं तो इसका ज्यादा फायद भी है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, तो ये गुड़ है, कितना लिया आपने? ये भी 50 ग्राम है। और जितना आप मीठा खाते हो फिर उसके हिसाब से आप ऐड करते जाए। और ये दूध है, ये दूध भी इसी तरह ऐड कर लें। और छोटी इलायची है दूध, तुम लगता है यूट्यूब चैनल 100 ml है क्योंकि बता नहीं पा रही सही से। 100 ml और ये छोटी इलायची है, इसमें खुशबू के लिए। और फिर गार्निशिंग के लिए जो आपको नट्स पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है इसमें ये बादाम। और ये बनेगा कैसे? ये बनेगा ऐसे कि जो है ये आंबा हल्दी को डाला आपने और दूध को डाला, साथ में एवेपरेट हुआ, जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो ये भुना हुआ बेसन जो है हम इसमें डालेंगे और छोटी इलायची डालेंगे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। शक्ल दिखा जरा प्लीज, क्लोज दिखाएं इस टाइम पे हमने। एक मिनट में जरा प्लीज, जरा वो माशाल्लाह खड़े हो जाएं, जरा बैठे रहते हैं हमारे कैमरामैन। ओके ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसमें हम ये गुड़ डाल देंगे, ये हमने क्रश किया हुआ गुड़ है ना, ताकि जल्दी हल हो जाएगा, ठीक है। बस इसको हम इसको मिक्स कर लेंगे जब तक गुड़ जो है वो मेल्ट होगा। अगर ये चिपकने लगे या इसको ड्राई जलने लगे तो हम इसमें दूध या घी ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस ये हल हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर नट्स डालेंगे, गुड़ हल हो जाएगा तो ठीक है। और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। ओके, और डिश आउट करने के बाद जो इसकी फाइनल शक्ल आएगी वो ये बना रहे वहीं पे रखे रहने दे, है ना, बन जाएगा क्लोज। जरा शक्ल दिखाएं कैसी बनेगी माइयो हलवा तैयार, ये खास तौर पे उन लड़कियों के लिए। मैं एक मिनट आपको दिखाना पड़ेगा, रुक जाए। हाँ रुक जाए, शकील भाई रेडी हो जाओ। ये जो है मैं एक मिनट चम्मच चम्मच से भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये येलो कलर रहा नहीं है, अब दूसरा कलर हो गया तो लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। ये देखें, ये थोड़ा सा ब्राउनिश ब्राउनिश जब इसमें गुड़ डलता है तो कलर ऐसा हो जाता है, इस तरह का कलर ये हो गया कलर। चने की दाल थोड़ा सा टेस्ट करवा। रेडी रहना बेटा, ये एक्सपर्ट हैं। मैंने कल माइयों में बैठना है। इनको भी ग्लो चाहिए। कैसे? ना समझ आ रहा है। हल्दी बेसन का टेस्ट आ रहा है। हल्दी हल्दी का बेसन का, लेकिन बुरा नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कि हल्दी, क्योंकि देखिए ना मैंने अक्सर देखा है दुल्हनों को नजला खांसी जुकाम ये सब चीजें खास तौर पे शादी के दिनों में ढोलकियों में हो रही होती है, तो ये जो है इसमें इतनी हल्दी है, ऐसे आप हल्दी वाला दूध कोई नहीं पीती, इसमें हल्दी है, ये सब चीज़ें ये फ़ायदेमंद है।
तो अब अम्माएँ खिला सकती हैं बेटियों को ऐसे, तो ना बेचारियाँ नहीं उपटन लगा पा रही हैं, मुझे तो उपटन की भी वो खुशबू आ रही है ना? बेसन भी है और हल्दी भी है, तो खाने से ऐसा फ्लेवर आ रहा है कि उपटन खा रही हूँ, उपटन में खा रही हूँ अच्छे तरीके से, मजे का कह रही हूँ मैंने कल उपटन में बैठना। अच्छा भाई नेक्स्ट घरेलू शेफ के पास चलते हैं, घरेलू शेफ इन द सेंस के मतलब हलवाई के पास नहीं जा रहे हम, खातून के पास जा रहे हैं जी। फरहाना लखानी, फरहाना लखानी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? आपके पेज का नाम है स्वीट एंड स्पाइसी, स्वीट एंड स्पाइसी फूड, यानी कि आप मीठा भी बनाती हैं और तीखा भी बनाती हैं, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? मेमनी फूड ज्यादा है, मैं मेमन हूँ तो अच्छा। मेमनी फूड ज्यादा मिला। और आप कितने साल से पका रही हैं? 5 साल हो गए मुझे। 5 साल से प्रोफेशनली कर रही हूँ, पहले घर में ही करती थी। पहले घर पे करती थी, फिर हस्बैंड को और मेरे हस्बैंड ने कहा कि अच्छा है तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है तो स्टार्ट करो, माशाल्लाह रिस्पांस अच्छा आया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आपने तो लॉकडाउन में नहीं स्टार्ट किया? नहीं, लॉकडाउन में स्टार्ट नहीं किया था, पहले फैमिली माशाल्लाह इतनी बड़ी थी कि हम लोग के फैमिली में एक सिस्टम था कि इसके घर खाना भेजना, एक सिस्टम होता है डिश पूरी प्लेटर बना के भेजना, तो वो हमारी एक सिस्टम था, तो इसके लिए नहीं रमजान में ज्यादा, अच्छा अच्छा, और ईद में हो जाए या कोई ऐसा ओकेशन हो अच्छा, तो प्लेटर बना के हम लोग भेजते हैं। अच्छा। हमारे घर भी भेजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा फिर क्या? ये फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का खाना सबको। तो आप क्या सिखा रही हैं हमें? मैं आज सिंघाड़े पाउडर का हलवा, सिंघाड़े के पाउडर का हलवा, आजकल की बच्चियाँ पता है हेल्दी है ये चीज, ओ माय गॉड, आजकल की बच्चियाँ कुछ खाती पाती नहीं है, इनके लिए बेस्ट है। बच्चियों को प्रॉब्लम होती है और इतनी तकलीफ दे वो चीज़ होती है, खासतौर पे टीनेज बच्चियों की, सिंघाड़ा इज बेस्ट फॉर दैट, कमर के लिए घुटनों के लिए बेहतरीन चीज़ है। मेरी अम्मी उसका टोटका एक बताती थी, सिंघाड़े पाउडर लें उसको रात को भिगो के ग्लास में रख दें और सुबह उठें निहार मुँह वो पानी पी लें, 3 दिन तक करेंगे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पाउडर सिंघाड़े का पाउडर, पिसावा पाउडर आप ले लें कहीं से और उसके बाद वो 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में रखेंगे, भिगो कर रात भर सुबह निहार मुँह पियेंगे 3 दिन एंड द प्रॉब्लम इज गॉन। अच्छी चीज है, बिकॉज कमर में इतना दर्द होता है बच्चियों के, हल्दी हो गई, कॉलेज यूनिवर्सिटी की छुट्टी हर जगह। हाँ जी, तो ये 1 कप घी है, हाँ 1 कप सिंघाड़े का पाउडर है, 1 कप मखाना, मखाने को थोड़ा मैंने पहले घी में फ्राई कर लिया है, फिर इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया, पूरा पाउडर बना दिया है, इसलिए बच्चियाँ खाएंगी तो नहीं, वो पाउडर होगा इससे मिक्स हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लगा। दफा दोबारा बताएं यार। हाँ। 1 कप घी, हाँ इसमें मैंने ये मखाने का पाउडर बनाया हुआ है, सिंघाड़े का पाउडर, ठीक है, इसको रोस्ट करके आपने जी रोस्ट करके पीसा है, अच्छा, फिर इसको मैंने घी में थोड़ा फ्राई करके, ठीक है, फिर ये सब ये खोपड़ा है मखाना है सब डाल के, नहीं सब नहीं बताएं मुझे, एक एक चीज बताएं, मखाना हो गया, मखाना सिंघाड़े का पाउडर, उसके बाद क्या है? खोपड़ा चीनी, चीनी सब डाल के मिक्स कर ले, सिर्फ ये चीजें जी, फिर ये और कोई और मेवे नहीं है? नहीं वो लास्ट में डालेंगे ना। नहीं अभी आपने सिर्फ खोपरा डाला है? खोपरा डाला है, ठीक है, फिर ये बिल्कुल भून जाएगा ना, तो अगर ये थोड़ा गाढ़ा होने लगता है तो हम चीनी का पानी हम बना के रखते हैं, चीनी का पानी, शीरा मतलब, शीरा जैसे, तो शीरा हम डाल सकते हैं इसमें, फिर बिल्कुल रेडी हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर हम जो भी जाए काजू है जितने भी नट्स है, बहुत ईजी है और फायदेमंद, बहुत फायदेमंद है, कैल्शियम है मखानों में और सिंघाड़ों में कैल्शियम है, मैं तो खैर सैलड में डाल खा रही हूँ आजकल। शक्ल दिखाएं जरा, बुनाई के बाद कैसी शक्ल हो जाएगी? बुनाई के बाद इस तरह दिखाएं, शक्लन थोड़ा इतना हसीन नहीं है, सीरत बहुत अच्छी है इसकी, ये देख रहे हैं, शक्लन थोड़ा अजीब सा हो रहा है, हाँ, वो वैसे देखने से होता है, तो बनने के बाद कैसा होगा? ये रहा, दिखाएं जरा, वाइट, अब आप उनको छुपा के ऐसे देंगे, बनने के बाद मतलब लाइक खोपरा शोपरा लगा के, या जरूरी है उधर का शॉट लगाना, मेरे माइक लगे हुए पीछे, हाँ जी ठीक है, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि मुझे ब्रेक के दौरान चखना है कि कैसा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए एक साथ हलवे मांडे देखते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हलवे मांडे में आज आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम में कि आप जो बाज़ार के मीठे हैं वो घर पे कैसे बनाएं, क्या टेक्निक्स हैं, क्या गलतियां करते हैं, साथ हेल्दी मीठे
खास तौर पे इस मौसम को मद्देनजर रखते हुए, शादियों के सीजन को मद्देनजर रखते हुए, तो दोनों चीज़ों का मिसमैच हम आज बना रहे हैं ताकि हमें लोग ट्रोल भी ना करें, शुगर इतनी बढ़ गई है, डायबिटीज बढ़ गई है, हलवों का प्रोग्राम कर रहे हैं जी। तो नेक्स्ट हलवा है बादाम पाक, बादाम का हलवा भी इसको कहते हैं, बादाम पाक भी कहते हैं जी। ये पहली दफा मैंने सुना है, वो जो कड़क कड़क होता है, दिखाएं कैसी शक्ल होती है उसकी? ये नहीं, वो कोई बना हुआ है? बना बनाया नहीं, वो मैं लेके नहीं आया ना। लाना चाहिए था ना, लोगों को पता तो। चले हाथ के हाथ बन जाएगा। फिर कैसे बनता है ये बादाम पाक? बादाम पाक बनाने के लिए सबसे पहले आप सूजी ले लें, सूजी को इस तरह से ब्राउन कर लें, ठीक है? अच्छा, सूजी जलती है? हाँ, थोड़ी सी सूजी, यानी कि ये मैंने एक पाव खोया लिया है ना, तो एक चम्मच सूजी का बस, ठीक है? उसको ब्राउन करके थोड़े से बादाम। लेकिन आप सुने एक मिनट, सूजी को पहले आपने ब्राउन किया, अभी आप खोए को तो नहीं कुछ कर रहे? खोए को कुछ नहीं कर रहा। आपने एक चम्मच सूजी ली जी, और कितने ग्राम देसी लीटर? चम्मच घी, तीन चम्मच घी में आपने उसे भून लिया, थोड़े से बादाम जितने आप को पसंद हो, दो से तीन चम्मच। वो तो छिलकों के साथ आपने? जी हाँ, छिलकों ऐसे कटे हुए? जी ऐसे कटे हुए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब ये सूजी ब्राउन हो जाए, बादाम भी थोड़े से कड़क हो जाए, फिर उठा के खोया इसमें ऐड कर दें एक पाव। अच्छा, अब ये चलते हुए चूल्हे पे? जी चलते हुए, अब चलते हुए चूल्हे। अब ये इसका टेक्निक अलग, 250 ग्राम खोया इसमें शामिल कर दें, क्योंकि इसको करना ही हमें सख्त है। हाँ, और हाँ। चीनी इसके अंदर जितना खोया होगा उससे आधे वजन की चीनी, एक पाव खोया तो 125 ग्राम चीनी, ठीक है? ठीक है। और सबसे मेन जो चीज है इसमें, आप यूं समझ लेंगे सीक्रेट है ये। ये क्या सीक्रेट? ये है लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ग्लूकोज? जी जी, ये बना बनाया मिलता है? जी जी, बना बनाया पंसारी की दुकान से मिलता है, इस तरह का होता है। और ये जो सोन हलवा होता है ना, तार वाला मुल्तानी सोन हलवा, उसका ये मेन आप ये समझ लें इंग्रेडिएंट लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ग्लूकोज, हाँ, ये इसके अंदर जाएगा। ये मिलेगा कि कहाँ से? आपने पंसारी की दुकान? जी, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। और ये कितना डालेंगे हम? ये 50 ग्राम, 50 एक पाव खोया, 50 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज, ठीक है? उसके बाद आप इसको पकाएंगे, पकाते पकाते ये देखें जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा ना, ठीक है? और जब ये पेन को छोड़ने लग जाए, थोड़ा सा इस तरह से हार्ड होने लग जाए ना, अच्छा, फिर आपने इसके अंदर घी ऐड करना है। क्लोज में आ जाए जरा, हाँ, चम्मच पे जमने लग जाए, अभी पेन को भी छोड़ने लग जाए, फिर कलर जरदा कलर जो होता है ना, जाफरानी कलर जो हम बिरयानी में डालते हैं, जी जी जी, हाँ, ये जरा सा कलर इसमें शामिल कर लें। हाँ। और तैयारी के टाइम पे घी, जैसे अब ये तैयार है ना, हाँ, अब इसके अंदर घी। ये आपने कितनी देर भूना होगा मुझे ये बताएं? तकरीबन खोया, लिक्विड ग्लूकोज और चीनी सब चीजें मिला के 10 से 12 मिनट, 10 से 12। और मुस्तकिल भूनते रहे? जी जी, मुस्तकिल, ताकि वो लगे नहीं। और इसकी जो आँच है वो आपने ना कोई तेज रखनी है ना बिल्कुल कम रखनी है, जितनी आँच पे आप इसको संभाल सकें, यानी कि आपकी जैसी कढ़ाई हो, जिस कढ़ाई के अंदर आप इसको पका रहे हैं उस हिसाब से आप इसकी आंच को रखेंगे, ठीक है? इससे थोड़ा और ब्राउन या और रस्टिश हो गया कुछ जी, कलर आप लाने के लिए। और ये देखिए, आप इसे ना ये पैन को ये छोड़ रहा है, ठीक है? इसकी तैयारी की पहचान होती है हलवे की, देखिए क्या ये पैन को छोड़ रहा है। अच्छा, जरा एक मिनट क्लोज जाए और ये आप दिखाएं कैसे छोड़ रहा है पैन को। ओके, चिपक नहीं रहा। जैसे हम बेकिंग में टूथपिक डाल के चेक करते हैं कि ओ ये चिपक नहीं रहा, नाउ इट्स रेडी। जब ये इस कंडीशन में आएगा ना, इसके बीच में होती है ब्राउन सी पट्टी, बीच में से ब्राउन होगा, ऊपर से इस तरह का कलर होगा, नीचे से ऐसा, और बीच में से थोड़ा सा सुर्ख होगा। अच्छा। वो जब भी आएगा, जब आप इसको इतना पकाएंगे कि ये पैन को छोड़ने लगे, ओके, और उस टाइम जब ये पैन को छोड़ने लग जाएगा, फिर आपने इसके अंदर घी शामिल कर देना। अब आपको समझ आ गया, प्रॉपर भुनाई इसकी हो गई है जी। और अब आप घी मिक्स करके अच्छी तरह से, देखें हम घी मिक्स करेंगे ना, ये और पैन को छोड़ देगा, देखें, बिल्कुल। अब ये इसकी पहचान है कि ये हलवा हमारा तैयार हो गया इस फॉर्म में ना। अच्छा, इसके अंदर देसी घी शामिल किया जाता है, वनस्पति घी में नहीं बनेगा ये, देसी घी। जी की पुरजोर फरमाइश है, पूछना चाहती है क्या चीज है ये? लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ये असल में ना मिठाई वाले ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं, और आम लोगों को तो शायद ऐसा पता भी नहीं होगा, ये बेसिकली चीनी से बनाया जाता है, मगर इसमें चीनी ये पंसारी की दुकान पे मिलती है लिक्विड ग्लूकोज। ये ऐसे ही मिलता है पानी में डालो? नहीं नहीं, ऐसे ही, ऐसे ही। इसका टीन होता है 25 kg का, उस पर मिलता है ये। अच्छा जी जी, देखिए ये भी ना बिल्कुल इसने छोड़ दिया इसको, सही है। अब कितनी देर पकाना है हमें? और दो से तीन मिनट, जब घी सारे इसके अंदर हल हो जाएगा, फिर आप इसको चूल्हे से नीचे उतार लें बस। हाँ। ताकि देसी घी भी थोड़ा सा पक जाए। हाँ। उसके साथ इसकी भुनाई भी हो जाए। मैं तो वो कड़क वाले समझ रही थी कि वो बनेंगे। नहीं नहीं, कड़क वाला वो सोन हलवा होता है, कड़क सोन हलवा, गोल वाला ना, गोल भी बादाम पाक कहते हैं जी। तो बादाम का इसमें क्या, इतने से तो बादाम थे, फिर उसको पूरा नाम बादाम पे क्यों रख दिया पता नहीं है, तो किसने रखा है ना, किसी ने। और ये देखिए, इसके बीच में ना ये जाल भी आने लग गया ना, ये देखिए। हाँ, ये जाल का क्या मकसद है? ये जाल इसी बात की निशानदेही करता है कि इसके बीच में से ये हलवा ब्राउन होगा हमारा, जब बीच में से ब्राउन होगा तो समझिए ये पका हुआ हलवा है बस। ओ। और अब इसको हम उतार देते हैं, देख रहे हैं? सही है। जैसे मेसू के अंदर आपने देखा होगा ना, जाल बीच में से जाली जाली सी होती है मेसू के अंदर, मेसू की एक मिठाई होती है ना, शायद आपने खाई। मुझे नहीं पता, मैं इतनी क्या आपका ख्याल है, मैं मिठाई के डब्बों की रिसर्च करती रहती हूँ, मुझे तो नहीं पता मेसू की। अच्छा, वो एक होती है येलो कलर की होती है मिठाई के डब्बे में। जी जी, याद आ गई मुझे।
अच्छा ये ऐसे इसको वो किया और बादाम इसके ऊपर। ये एक नया मीठा है वैसे, मैंने नहीं कभी, मुझे याद भी नहीं गई क्या इस तरह का मजे का होगा। ये इतना गर्म है, जलेगा तो नहीं मेरा मुंह? नहीं अब तो जल जाएगा मुंह आपका। ये बहुत तेज है, मैं अभी इतना मैं कुर्बानी नहीं दे सकती अपनी जबान की, जबान नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा इसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है, आप इसको एक दिन बना के ना 15-20 दिन तक, महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर फ्रिज के। जी बगैर फ्रिज। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसको पकाया ज्यादा गया ना, और इतना घी है इसमें, घी भी है और ग्लूकोज के साथ जो इसको पकाया, ग्लूकोज से इसकी शेल्फ लाइफ वैसे बढ़ जाती है। जी लिक्विड ग्लूकोज, ये देखें ना कितनी, ये देखें कैसी ये लजीली जैसी है, बूंद होती है, एलोवेरा जेल की तरह लग रही है। हाँ ये बेसिकली चीनी का बनाया जाता है, जैसे कॉर्न सिरप होता है। तो हम लोग तो घर में भी बनाते, पंसारी से क्यों लेंगे? नहीं घर में बनाता हूँ मैं, फर्क बताता हूँ। जो घर में आप बनाती है ना वो आप चेक के देखिएगा, उसमें होता है मीठा, मीठा नहीं, इसमें मीठा नहीं, आप चेक कर ले। इसमें वो क्या डालते हैं फिर? ये कंपनी बनाती है, ख्याल करना जबान ना जल जाए। और आप घर में ना बना कर पंसारी से ले लेकर, इतना कोई महंगा नहीं मिलता, ये ज्यादा बेहतर है। पंसारी का है यहाँ पर, तो बाजार के आदमी ने पकाया है तो वैसे ही होगा। बिल्कुल वही है, वही है, मुझे भी चम्मच दें, जो बाजार मुझे भी चम्मच दें, बड़े से यहाँ से ले लेना, जाया नहीं करूंगी इसे मैं, मैं उंगली जल गई, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा। यम सर तुम डाइटिंग पे हो? नहीं इतना बर्दाश्त तुम करो, नीचे का शौक आया है आपको? मजे का यार ये गरम, सुनिए तो चम्मच दे जरा, ये बहुत टू मच है। अच्छा प्याले में, मैंने कहा मुंह में रख रही है, मुंह जल रहा है, ये क्या अच्छा लगता है, बहुत मजे का है, कड़क कड़क एक चीज आ रही है, और ये ठंडा होने के बाद चम्मच दे दो खुदा के लिए कोई। हाँ ठंडा होने के बाद और ज्यादा मजे का। सुनिए बादाम इधर करें ना, बादाम तो सबसे नहीं खा रही, ये बादाम से खा लो, ये लीजिए चमचे लीजिए। थैंक यू, क्या हमारी पार्टी चल रही है? बहुत अच्छा टेस्ट है, जितने भी हलवे है ना हमने खाए, अदरक का, हल्दी का, उसके बाद जो आपके मुंह का फ्लेवर हुआ है उसके बाद तो वाओ, क्योंकि वो सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा इसके अंदर देसी घी में ही आपने बनाना है, वनस्पति में, कुकिंग ऑयल में, कोकोनट ऑयल वगैरह में, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर है घी का, देसी घी। भाई सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो सारे हलवे जो वो बना रही है, सिखा रही है, वो हेल्दी वाले हलवे है, कि जैसे अगर आपको उससे कोई फायदा, मतलब बीमारी वाले, हाँ वो सेहत के हवाले से, सेहत के, वो ये जबान के चटखारे वाले हवाले, वो नहीं है कि आप खाने के बाद रात को बैठ के खा रहे हैं डिजर्ट। यार देखो डिजर्ट ये है, कोई पेशेंट है बेचारा जी, हाँ मतलब वो हेल्दी भी है, बिल्कुल गिल्ट कम होगा आपका, सिंघाड़े का रह गया चकली, चले उधर चले हो गए क्या, साफ कर लू। कोई और हलवा सिखा सकते हैं अभी, कितना टाइम है? सूजी का हलवा बस भाई, सूजी का। अच्छा सूजी का, सूजी का जरा बताएं तो जरा, बाजार वाला अलग क्यों होता है, हमारा अलग क्यों होता है? सूजी का हलवा बाजार वाला अलग इसलिए होता है कि घर में जब आप लोग बनाते हैं तो इसकी जो नाप तोल है उसका पूरा ख्याल नहीं रखते, कभी पानी ज्यादा डाल देते हैं, कभी चीनी ज्यादा डाल देते हैं। बाजार के अंदर जो सूजी का हलवा बनता है, खासकर हलवा पूरी वाला भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो हलवा पूरी के साथ हलवा बनाया जाता है ना, उसके अंदर एक पाव सूजी यानी कि 1.5 कप, अगर आप घर में कप के हिसाब से बना रहे हैं तो 1.5 कप सूजी ले लें, 1 कप उसके अंदर घी का ले लें, और उसके अंदर आप चीनी शामिल करें 3 कप, 1.5 कप सूजी के अंदर, 3 कप चीनी और 4 कप पानी। अगर आपका कप है 250 ml का फिर 4 कप, अगर 200 ml का कप है फिर 5 कप, यानी कि 1 पाव सूजी, 3 पाव चीनी और 1 लीटर उसमें पानी आप लें। मैं कुछ नहीं सुन रही, मैं सिर्फ एंजॉय कर रही हूँ, निधा खा लेगी सारा, और मैंने लेके घर में दावत है, सुने दावत वालों ही। अच्छा बता दिया, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं। हाँ सामान ऊपर रख दे जी, का है सामान? सामान है, अब सीरियस हो जाते क्योंकि मैं पहले बहुत मस्ती कर रही थी, मैं वो बादाम पाक खा रही थी और वो इतना मजे के मैंने नहीं खाया आज तक, पहली दफा चखा है मैंने। तो मैं ना एक मीठा, जब आप सुबह सुबह भूखे हों और आपने कुछ नहीं खाया हुआ और आप मीठा खाएं, तो मैं सुरूर में चली गई थी जी। अच्छा 1 पाव सूजी ले लें, ठीक है, निकालनी पड़ेगी, 1 पाव सूजी और उसके अंदर 1 पाव ही घी ले लें, सही है, ठीक है। 5 मिनट, 5 से 7 मिनट उसकी भुनाई कर लें सिर्फ, ठीक है। 2 से 3 उसके अंदर इलायची शामिल कर लें, उसके बाद जब सूजी भुनाई हो जाए, अगर आप कप के हिसाब से उसमें पानी शामिल कर रहे हैं ना, कप आपके पास है 250 ml का, तो 4 कप पानी ले लें और 3 कप उसके अंदर चीनी ले लें, और तेज आंच पे जैसे आपने चीनी और उसमें पानी ऐड कर दिया, तेज आंच पे एक उबाल दिला लें, जैसे ही एक उबाल आ जाएगा चूल्हा उसका कर दें दम वाला, बस 5 मिनट दम पे उसको रखें, चूल्हा बंद कर दें, हलवा तैयार हो गया, बस इतना आसान है सूजी का हलवा, आप आंखें बंद करके भी बना सकते हैं, इतना आसान से। हाँ खुद बन कर लें आंखें, हम तो जला लेंगे अपने आप को। हाँ भाई अच्छा भाई,
अच्छा, आपने कभी कॉफी का हलवा खाया है? नहीं, नहीं। सुना भी नहीं था आज तक। टेस्ट करवाऊं? लेकर आई नहीं आप क्या? जी कुरतुलैन कौन आप बना रही जी? आप कॉफी का हलवा बना रही है? ये कॉफी का हलवा भी है और इसको झटपट हलवा भी कह सकते हैं। कैसे बनता है? जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आपका कुछ दिल चाह रहा है, आपके घर में कॉफी मौजूद है, तो आप फौरन ये बना लें। आप झटपट बन जाएगा। उनसे ये नहीं कहें कि कॉफी पियेंगे, कॉफी खाएंगे। आप ये कहें, अच्छा कैसे बनेगा बताओ। उसके लिए कि आप ये घी डालें एक चम्मच पैन में, सही है, ठीक है। उसके बाद आधा कप जो है वो सूजी लें, ठीक है, इसको ड्राई रोस्ट, इसके साथ रोस्ट कर लें अच्छे से। अच्छा, जब वो हो जाए तो उसके अंदर थोड़ी सी कॉफी मिलाएं। इंस्टेंट कॉफी या खाली कॉफी? कॉफी नॉर्मल इंस्टेंट कॉफी होती है दूध के साथ मिली हुई, कोई नहीं डालने, कॉफी का फ्लेवर आएगा, ओनली फ्लेवर। रेगुलर कॉफी, ओनली कॉफी, नॉट इंस्टेंट। एक टेबल स्पून इसमें कॉफी का डालें आप, एक टेबल स्पून। हाँ ओके, और उसको भून लें, ठीक है। उसमें जो है आप थोड़ा आधा कप जो है ये डालें मिल्क मेड जो होता है, कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क। हाँ ओके, और अगर आप चीनी भी डालना चाहें तो मीठा कम लगे तो आप ये डालें। हाँ, अपने हिसाब से। हाँ, ठीक है। और उसके चॉकलेट सॉस जो है ये तो टॉपिंग में यूज़ होगा, बस उसको अच्छे से स्टर कर ले। हाँ, ये भून जाएगा। हाँ, एक गिलास पानी डाल के इसको, क्योंकि सूजी फूलेगी भी पकेगी भी। ओके, तो फूल जाएगी, जैसे ही वो ड्राई हो जाए तो बस इसको चूल्हा बंद कर दीजिए। मेरे दिमाग में आया कॉफ़ी की टॉफी, कॉफी की टॉफी देखा है, खाई कितने मजे की होती है, एक वो टॉफी करके नाम होता था, मुझे लगता है ये वैसा फ्लेवर होगा। आइडिया बहुत अच्छा है, सर्दियों में कॉफी का हलवा मजे का लगेगा। बच्चे खा लेंगे ना उसको चॉकलेट समझ के? नहीं, बच्चे खाए ना खाए, एक भी खा ले, आपके पास एक डिफरेंट चीज हो जाएगी ना। है तो सूजी बेस, नहीं नोट करियो, बेस सबकी ज्यादातर सूजी होती है, बिल्कुल ऐसे है ना। ये तो फिर आप कुछ अपनी तरफ से इजाद भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ना एक अर्ज होती है कि कुछ नया, कुछ नया। अच्छा ठीक है, फिर इसको किसी मोल्ड में निकाल के आप जैसे भी दिल चाहे इसको वैसे तो प्रेजेंट करें, मोल्ड में निकाल के उसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल के उसके ऊपर नट्स डाल दें। तो दिखाओ जरा, क्लोज करो भैया। नहीं आपसे नहीं कह रही, मैं कैमरामैन से कह रही हूँ, क्लोज करके चख लेना भाई, एक यही तो रह गया है, आप ही तो बताएंगी कैसा है, बस आप ही तो बताएंगी। अच्छा वैसे एक बताएं बात, ज्यादा मीठा खा के भी ना कुछ अजीब सा अजीब सा होता है ना, ज्यादा आप खा लें तो ओवरडोज भी नहीं होने चाहिए। हाँ, वो अजीब सा वॉमिट। मीठा तभी अच्छा लगता है जब आप छोटी क्वांटिटी में खाएं, इट शुड लीव यू वांटिंग मोर। ये ना हो कि आप इतना खा लें कि वो दिल भर जाए और नौजिया थोड़ा कुछ है, हर एक चीज तो चख ली पीछे रह के। अच्छा अब फराना हमें बताएंगी इंजीर का कैंडी हलवा। इंजीर का, इंजीर भी बड़ा फायदेमंद है, इंजीर के ऐसे फायदे हैं। इंजीर की कैंडी हम बनाते हैं ना तो बच्चों के लिए अच्छा है ना, बच्चे खाते ही नहीं इंजीर। मैंने तो अपने बेटे को आदत डाली इंजीर की। आपने बनाई है कोई कैंडी? किस तरह की शक्ल होती है, दिखाइए। उधर से उठा के बस एक ही उठा लें। ओके, ये क्या इंजीर? एक एक काजू की कैंडी है ये, बच्चों को जैसे बच्चे जैसे इस तरह देखेंगे तो जरा खाएंगे ना वहाँ। हाँ, तो खाएंगे। कैसे बनाएंगे आप ये? मैं पहले ड्राई इसको सोजी को पहले ड्राई रोस्ट कर लूँगी थोड़ी सी, फिर इसमें घी डाल दूँगी, घी के साथ थोड़ा फ्राई करके, फिर मैं इंजीर को मैंने रात से भिगो दिया था, फिर मैंने इसको ब्लेंड कर, इंजीर के पानी में ही इसको मैंने ब्लेंड कर दिया था। अच्छा। फिर मैंने इसमें इंजीर डाल के सही तरह मिक्स करके थोड़ी देर फ्राई करके फिर इसमें मैंने चीनी डाल दी। अच्छा। चीनी डाल के फिर थोड़ा मिक्स कर, चीनी थोड़ी मेल्ट होने लगे तो इसमें ये सारे नट्स डाल दें, खोपरा है, काजू है, बादाम है, फिर इसमें थोड़ा पका के चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो बस फिर रेडी। फिर ड्राई हो जाए तो आप कैंडी शेप बना दें बच्चों के लिए, जैसे बच्चे जो ड्राई हो के हार्ड हो जाए, हार्ड हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप लोगों का शुक्रिया हलवे सीखने का और हलवे खाने का और रखवाने का भी। मैं और कितने कैलोरीज आप आज हमारे शो से लेके जा रहे हैं, कुछ चेक मिले ना मिले, कैलोरीज तो मिल गई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद देखते रहिए हलवे मांडे। वेलकम, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम इतना मीठा खाने के बाद तो हमें ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के मुंह पे दाने निकल आते हैं, कुछ लोगों की छाइयाँ पड़ जाती हैं। मीठा थोड़ा नुकसानदेह भी होता है आपकी बॉडी के लिए, तो मैंने कहा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो गया। डॉक्टर उम्मे रहील हमारे साथ आज मौजूद हैं, एम कॉलरिक के साथ।
अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सही बात है ना, मीठे से थोड़ा सा इस तरह की चीजें स्किन वगैरह बिल्कुल स्किन खराब होती है। वेट तो बढ़ता ही लेकिन स्किन भी खराब होती है, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खाएं सब कुछ लेकिन ये नहीं कि सिर्फ खाने पे तवज्जो नहीं दे, अपने स्किन पे, अपने बालों पे, अपनी बॉडी पे जरूर तवज्जो देनी चाहिए। तो एम कॉलरिक हमें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले जो है आजकल जो सीजन चल रहा है उसके हिसाब से बताऊंगी। होता है क्या है कि सर्दी आती है, शिकायत होती है कि डैंड्रफ बहुत हो रही है, बाल तो ऐसे गिर रहे हैं कि बस काबू ही नहीं आ रहे और लगता है कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो एम कॉलरिक ने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है अपना हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, पहले होता है कि हमारा बाल गिर बहुत रहा है, अगर किसी का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इतना ज़्यादा है कि वो उनको लगता है कि सुबह उठे तकिया भरा हुआ है और पूरे घर में बाल ही बाल, सर के बजाय फर्श पे बाल बिखरे हुए हैं, तो उसके लिए जो है एम कॉलरिक का जो हमारा जिंक टॉनिक है, हेयर ग्रोथ टॉनिक, ये हेयर फॉल को फौरी तौर पर रोकता है। तकरीबन आपने 1 से 1.5 महीने लाजमी लगाना है, नॉर्मली हम 3 मंथ्स का कहते हैं, बट आपने 1 से 1.5 महीने लाइक 6 वीक्स आपने लगाना है। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपका आपका जो हेयर फॉल है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है, आपके बाल जो हैं गिरना कम हो गए। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि बाल गिरना तो रुक गए, आपने एम कॉलरिक का हेयर ग्रो टॉनिक लगाया, बाल गिरना रुक गए हैं, बट अब बाल पतले हो गए। अब बालों के लिए क्या किया जाए, उनको घना भी तो करना है, उसके लिए मीठा ज़रूर खाएं लेकिन साथ साथ जो है एम कॉलरिक का जो प्रोकैपल टॉनिक, ये इंतहाई तेज़ी के साथ बालों को वॉल्यूमाइज करता है और जो बाल जो जगह गैप आ गए हैं, जो मांग चौड़ी हो गई है या जहाँ से बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, उन बालों को बहुत तेज़ी के साथ निकालता है। 3 मंथ्स के अंदर आपको अपने बेबी हेयर्स वाजे नज़र आएंगे, आपको कुछ कहने की देखने की ज़रूरत नहीं। लोग कहेंगे छोटे 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 से बाल ये कहाँ से निकल के आ गए, और पूरा आपका जो स्कैल्प है वो भर जाता है। जबरदस्त, तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। अगर गिर रहा है बाल तो आपने ग्रोथ टॉनिक लगाना है, जब आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो गया है और आपको बालों में वॉल्यूम चाहिए, आपको बाल घने चाहिए, तो आपने जो है प्रोकैपल टॉनिक लगाना है। उसके साथ नॉर्मली जो है ये जो हेयर फॉल का जो शैम्पू है हम सजेस्ट करते हैं, आपने सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, आपने माइल्ड केमिकल शैम्पू यूज़ करना है जो कि आपके बालों को नुकसान ना पहुंचे। अभी आप बालों का ख्याल रख रहे हैं, आप ग्रो टॉनिक लगा रहे हैं, आप हेयर फॉल कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने ये शैम्पू इस्तेमाल करना है। सही। जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये बहुत माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड, जिसे कहते हैं ना, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो ये आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। ताकि आप इतनी जो मेहनत करें अपने बालों के लिए, तो उसके लिए जो है आप अगर ये शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, तो आपका बाल इंशाल्लाह 3 महीने में लोग पूछेंगे कि भाई कोई शायद अपने विग लगा ली है या कोई ट्रीटमेंट करवा लिया, इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई चीज़ खाने की होनी चाहिए, जैसे कि इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं, अगर खाने की भी चाहिए, कि बहुत से लोग कहते हैं जब तक खाएंगे नहीं फ़ायदा नहीं होगा, बहुत से लोग इंटरनली बहुत वीक होते हैं, तो उनके लिए हेयर विटामिन मौजूद है, ये वज़न नहीं बढ़ाता है, और इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो बॉडी के अंदर जो वीकनेस होती है, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, ये उसको पूरा कर देता है। जैसे आपका आयरन हो गया है, जिंक हो गया है, सेलेनियम हो गया है, बायोटिन है, तो जिसकी वजह से बालों के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। ज़बरदस्त, तो ये आपके बालों का बेस्ट ट्रीटमेंट है। अब आए स्किन के ऊपर, और भी तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इस मौसम के, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहले मैं सजेस्ट करूँगी, मतलब आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, हम स्किन की जो क्रीम्स हैं, लोग कहते हैं डे की क्रीम भी होनी चाहिए, नाइट की भी होनी चाहिए, तो ये जो हमारी स्किन की डे एंड नाइट क्रीम है, ये डे क्रीम है, सनब्लॉक के साथ होती है, इसके अंदर सारे एसेंशियल विटामिंस मौजूद हैं, कि आपको सिर्फ दिन में एक ही क्रीम लगानी है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी ये वाला सीरम लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, फिर ये लगाएं, तो पूरा दिन तो इसी में गुजर जाएगा। तो आपने जस्ट फेस वॉश किया है और ये क्रीम लगा ली है, उसके बाद अपना टेंट लगाइए, टेंट भी मौजूद है, ये सारे कलर्स भी मौजूद हैं, आपने टेंट लगाया है लिप एंड चीक के ऊपर, आप तैयार हैं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो हमारी नाइट क्रीम, लोग पूछते थे कि नाइट केयर की रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन भर मेकअप किया है, आपकी स्किन ख़राब हो गई है, बाहर धूप में रहें, लेकिन नाइट क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एम कॉलरिक की नाइट क्रीम है, इसको हमने थोड़ा सा एडवांस किया है, कि नॉर्मली आप देखते होंगे कोजिक एसिड मौजूद है, आर्बिटिन मौजूद है, एजेलिक एसिड मौजूद है, विटामिन ई इसमें मौजूद है, लेकिन इसमें हमने कॉस्मोस ऐड किए हैं और सेपिवाइट ऐड किया है। ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो दुनिया में इस वक्त लेटेस्ट चल रहे हैं स्किन ब्राइटनिंग के लिए और पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए। अगर आप इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉम्बिनेशन से जो मैंने आपको बताया, कॉस्मोस का, सेपिवाइट का, प्रोपाइल एलेनाइन का, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके स्किन को इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफेक्ट देती हैं, एजिंग को कंट्रोल करती हैं,
और जो पिगमेंटेशन आ जाती है, नॉर्मली हम पिगमेंटेशन से ज़्यादा परेशान होते हैं, वो 3-4 रंग के चेहरे हो जाते हैं और जितने हम तजर्बे करते हैं चेहरा ख़राब होता जाता है। तो चेहरे के ऊपर तजर्बे ना कीजिए, उसको रिलैक्स कीजिए और ये क्रीम अगर आप लगाते रहते हो तो ये ग्रेजुअली जो है इन तमाम इशूज़ को सॉल्व करता चला जाएगा, क्योर करेगा, तो आपका स्किन लाइटनिंग पर काम करेगा, एक्ने स्कार्स पे काम करेगा, आपके पिगमेंटेशन के ऊपर ये बेस्ट काम करेगा और साथ साथ एंटी एजिंग के ऊपर ये काम करेगा। तो एक तरह से ये नाइट केयर रूटीन जो है ये तमाम एज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर एजिंग के ऊपर काम करें तो शायद बच्चियाँ नहीं लगा सकती, ऐसा कुछ नहीं। एजिंग का मतलब है कि वाइटामिन ई मौजूद है, रेटिनॉइड्स मौजूद हैं, वो आपके स्किन को एजिंग इफेक्ट उस पर नहीं आने देंगे। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है डे एंड नाइट का, इसको आपने रेगुलर बेसिस पर यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ होता है कि विटामिन सी, विटामिन सी बहुत शौक से इस्तेमाल किया जाता है, बहुत डिमांड होती है, आप भी पास इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट हम सब लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन ज़रूरी है कि विटामिन सी कौन सा इस्तेमाल किया जाए। विटामिन सी तो बेशुमार मिल रहे हैं लेकिन एल एस्कॉर्बिक एसिड ये वो वाहिद विटामिन सी है। हम कहते हैं ये वाला अपने एसिड यूज़ करना है, सबके अंदर किनों के अंदर भी विटामिन सी है लेकिन एल एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो इसके अंदर मौजूद है। उसकी पेनिट्रेशन बहुत फास्ट होती है, आपने लगाया वो जस्ट एब्जॉर्ब हुआ है, वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, आपके स्किन को भी टैन नहीं करेगा, स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लेके नहीं आएगा और सबसे बढ़ के जो स्पॉट्स या डिसकलरेशन है उसको इंस्टेंट वो फेड करना शुरू कर देता है। यूँ समझ लें कि आपको लोकल ब्रांड में इंटरनेशनल क्वालिटीज़ मिलेंगी, ज़बरदस्त। तो ये आपने इस्तेमाल करना है, बेस्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊँ साथ में, अब एज तो बढ़ी रही है, अब बाकी रंग भी गोरा हो गया है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एज को हम डिफ़ीट कैसे करें? हम अपनी उम्र को पीछे तो हम 20 साल के हमेशा नहीं रह सकते लेकिन हम अपनी स्किन से नज़र आ सकते हैं, हम हमेशा जवान नज़र आ सकते हैं। आपको जैसे मैं बताऊंगी, आपको विटामिन भी हैं लेकिन लगाने के लिए आपने सीरम लगाना है। एंटी एजिंग सीरम बहुत माइल्ड है, अपने रूटीन केयर का हिस्सा बना लीजिए। आपने फेस वॉश किया है, आपने जस्ट ये अप्लाई किया है मॉर्निंग में नाइट में, बाकी आप दिन भर जो लगा रहे हैं, आप डे क्रीम लगाएं, आप सनब्लॉक लगाएं, आप नाइट क्रीम लगाएं, या जस्ट इसको आपने लगाना है और ये वक्त से इस्तेमाल करना है, 60 साल के बाद नहीं करना है, ये 30 साल के बाद से इस्तेमाल करना है ताकि आपके स्किन पे एजिंग ही ना आए। आप 60-65 के बाद भी लोग पूछेंगे तुम अभी सिर्फ 30 साल की हो क्या, तो ये आपकी एजिंग को कंट्रोल करता है, फाइन लाइन्स को, रिंकल्स को रोकता है। तो ये अगर आप वक्त से लगाना शुरू करते हैं तो ये होगा कि आपके स्किन को जो है ये एजिंग इफेक्ट्स पे नहीं आने देगा। बहुत सारे होते हैं स्ट्रेस की वजह से, वेट लूज करने की वजह से, या नेचुरली भी एज जब बढ़ती है तो आती हैं लाइंस, तो उनको ये कम करता है, उसका इफेक्ट डाउन करता है। तो ये बेस्ट है एजिंग कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ जो है ये स्किन फूड, हम नॉर्मली कहते हैं हम कहते हैं कि जी आपने विटामिन सी खाना है, आपने ग्लूटाथायोन खाना है, आपने कॉलेजिन भी खाना है और आपने विटामिन के भी इस्तेमाल करना है, ये भी अच्छा है, प्रिमरोज भी इस्तेमाल करना है, बायोटिन भी खाना है। अब आप खाना खाएं, गोलियां खाएं, क्या क्या खाएंगे? स्किन फूड सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है और ये जब आप इस्तेमाल करते हैं ये आपके स्किन के लिए, चाहे उसमें आपको ब्राइटनिंग चाहिए, आपके जो भी आपकी बॉडी की नीड होती है, जो विटामिंस की नीड है बॉडी की, इसे कि हम खाने से पूरा नहीं कर सकते, तो ये स्किन फूड उसको पूरा करते हैं। इसमें सारे विटामिंस मौजूद है, इसके अंदर कॉलेजन मौजूद है, इसके अंदर तमाम वो चीज़ें मौजूद है जो आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसकी डोज जहाँ से एज के हिसाब से होता है, इस पर सब रिकमेंड किया हुआ है। आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं यार सुकून आ गया, सिर्फ दिन में 2 गोलियाँ टैबलेट्स खानी है, कैप्सूल्स खाने, अब कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ऊपर जो है ना काम करता है और ये कंट्रोल करता है कि वो जो चीज़ें, अगर हम डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, हम खाने से अपनी बहुत सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो स्किन फूड जो है, इसका नाम ही स्किन फूड इसलिए रखा गया है कि जो खाने से हम अपनी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं कर पा रहे, वो ग़िज़ाइयत जो है हम स्किन फूड के थ्रू पूरी कर लेंगे। ज़बरदस्त, तो वो हमें कोई और नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके जो क्लिनिक है रसास वदा, उसकी टाइमिंग्स क्या हैं, आप कब मिलेंगी वहाँ, कहाँ कहाँ हम आपसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेने का तरीका क्या है? अच्छा, रसास वदा आप सबको पता है कराची में मौजूद है, सिंधी मुस्लिम पे मौजूद है, 6 डेज इन अ वीक खुला होता है, वो सुबह 11 से शाम 7 बजे तक होता है। अच्छा, मैं वहाँ पर मौजूद होती हूँ, सिर्फ मैं ही मौजूद नहीं होती और बहुत सारे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं वहाँ पर, और आप सोचेंगे शायद रसास वदा जाके मुझसे मिलना है और ये चीज़ें लेके आए, तो ऐसा नहीं है। रसास वदा में सारे अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, हर तरह के ट्रीटमेंट जो आप करवाना चाहते हैं, PRP है, आपका लेज़र है, आपके हाइफू हैं, हाइड्रा है, आपके ड्रिप्स हैं, स्लिमिंग ड्रिप्स हैं, वाइटनिंग ड्रिप्स हैं, सब कुछ उसके अंदर आपको मिलता है और सारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स आपको अटेंड करने के लिए मौजूद होते हैं। मैं खुद अपने डेज में वहाँ पर मौजूद होती हूँ।
अच्छा अपने अपकमिंग टूर्स के बारे में बताएं जो अच्छा टूर्स आपको पता है निदा आते रहते हैं बट सर्दियों में कम करते हैं लेकिन इस बार जो है हमारा इस्लामाबाद का टूर आ रहा है और थोड़ा सा हमने डिफरेंट किया है इससे कि तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। हाँ हम इंशाल्लाह जो है 17 जनवरी को इस्लामाबाद में होंगे और दिन हमारा क्लिनिक भी है 16 को हमारा एक इवेंट है वहाँ पर और उसके अलावा ख़ास बात ये क्लिनिक तो हम कर रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी वालों के लिए कि वो अभी से अपॉइंटमेंट्स उनकी चल रही हैं लोगों का रश लगा हुआ है तो वो अपने स्लॉट बुक करवा सकते हैं। साथ साथ हम वहाँ पे एक मास्टर क्लास भी दे रहे हैं हमारे साथ यूके सर्टिफाइड ट्रेनर्स की टीम जा रही है जो कि वहाँ पे ब्यूटिशियंस को स्टूडेंट्स को डिफरेंट अपने एस्थेटिक कोर्सेज की क्लास करवाएगी तो हम सब लोग वहाँ पे मौजूद होंगे 16 एंड 17 को। ज़बरदस्त थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का प्रोग्राम हलवे मंडे आपको कैसे लगे ज़रूर बताएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इंतज़ार करें मंडे को कुछ डिफरेंट आपके लिए। गुड मॉर्निंग।